सर्वत प्रणाम करता है। तत्पश तद मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा ब्रजे वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे श्री कृष्ण ने इंद्र पूजा बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा उन्होंने प्रारंभ कराया। अभी प्रश्न होता है कृष्णा इंद्र पूजा क्यों बंद करवाए और उन्होंने गिरिराज पूजा की प्रारंभ क्यों की, इसके पीछे हमारे टीकाकारों ने बड़ी अच्छी अच्छी बात बताई। पहला शिक्षा है कि जगत में 33 करोड़ देवता है, अगर दिन में 1 करोड़ देवता का पूजा भी करो महीना में 30 करोड़ हो जाएगा, महीना में 30 करोड़, फिर 3 करोड़ देवता बाकी रह जाएगी। अभी बताओ कितने देवता को मनाओगे, एक को मनाओ तो दूसरा मुंह खुला कर बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ कृष्ण शिक्षा देते हैं ये गिरिराज गोवर्धन ऐसे एक देवता है, अगर एक देवता कृष्ण को खुश कर दिया तो सब देवता खुश हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने श्री गिरिराज जी है कौन, बोले गिरिराज जी श्री भगवान श्री ये बांके बिहारी है। कहते कृष्ण अगर खुश हो गए सबके सब अपनी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बहु देवा देवियों को पूजा नहीं करते हुए प्रसन्न करना तो श्री गिरिराज बाबा श्री कृष्ण को ही प्रसन्न कर दो। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कोई जय नहीं बोल रहे, कोई जय तो है बोलते जोर से जयकार दो गिरिराज की। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। दूसरा जो शिक्षा है कृष्ण चाहते हैं ये ब्रजवासी सबके सब अपना ब्रजवासी है, इनको साथ में मैं 7-7 दिन तक उत्सव करना चाहता हूँ। इसलिए कृष्णा जब गिरिराज गोवर्धन उठाए जितने ब्रजवासी सबके सब इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के बड़े धूमधाम से वहाँ पर बड़े सुंदर होली बड़े सुंदर भजन गा रहे थे, बड़े धूमधाम से आनंद ले रहे थे। तीसरा कारण था गिरिराज श्री इंद्र को अभिमान हो गया, मैं स्वर्ग का राजा हूँ और ये जितने ब्रजवासी सबके सब मेरे प्रजा हैं, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो फिर घास कहाँ से होगा, गैया घास घास खाएगी, अगर घास नहीं खाएंगे तो दूध कहाँ से देंगे, दूध नहीं देंगे तो ब्रजवासी क्या खाएंगे, सब मर जाएंगे। इसलिए इंद्र का बड़ा अभिमान था, कृष्ण ने देखा इसका अभिमान को मेरे को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिरिराज की पूजा करवाई और इंद्र की पूजा उन्होंने बंद करवा दी। चौथा कारण बताए अभी भगवान कृष्ण का रास रचना है, कृष्ण अकेले तो रास कर ही नहीं सकते हैं जब तक ब्रज की गोपियां नहीं हो। अभी कृष्ण सोच रहे हैं इनको मैं आकर्षण कैसे करूं, अगर मैं गिरिराज गोवर्धन को मैं धारण करूंगा जब ब्रज गोपियां राधा रानी दर्शन करे तो बोले बावारी तो बड़ा पहलवान है, और 7 पुरुष गिरिराज को 7 दिन तक और उन्होंने 7 साल का बालक ने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। और उसको देख करके सबके सब ब्रजवासी ब्रज गोपियां राधा रानी सबके सब कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए, फिर उनकी रासलीला हो गई। इसलिए ये बहुत सारे कारणों को लेकर के कृष्ण ने ये गिरिराज गोवर्धन को उठाए। जब 7 दिन बीत गया इंद्र ने ब्रज को तसनस करने के लिए ओले गिराने लग गए,
हाथी के सूर के जैसे चावल लेने वाले भैया, जब कीर्तन होगा ना तब चावल लेंगे। अभी कृष्ण उन्हें 7 दिन तक उन्हें पूरा जी जान लगा दिए ब्रज को सत्यानाश करने के लिए, ओले गिराए, हाथी के सूर के जैसे मूसलाधारा से बारिश होने लग गई और बिजली कड़कड़ा रही थी, बड़े तेज से आवाज हो रही थी, मानो एकदम प्रलय आ गया ब्रज में। सब ब्रजवासी जा करके बोले, देख कृष्ण तू मना करने पर हमने गिरिराज को पूजा बंद कर दी, इंद्र पूजा बंद कर दी, देखो ये इंद्र क्या कर रहा है, ये इंद्र क्या कर रहा है। बोले चिंता मत करो भैया, बाबा कहाँ गए, ये बच्चे लोग बड़े उत्पात मचा रहे हैं, बाबा आप ये बच्चों को, आपका काम बच्चों को यहाँ से निकाल दो, बच्चों को निकाल दो, ये बच्चों को बाहर, उनको अंदर में मत बैठाया करो, जब प्रसाद होगा ये बच्चे आएंगे, चले जाओ बाहर सबके सब, प्रसाद का समय में आना सबके सब। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। अभी सबके सब ब्रजवासी कृष्ण को शरण में गए, बोले कृष्ण तुम बोलने पर हमने ये इंद्र पूजा बंद करा दिया, देखो ये इंद्र क्या नटखट कर रहा है, ये ब्रज तुम्हारी प्रलय हो जाएगा ब्रज में, तुम रक्षा करो। बोले कोई चिंता नहीं, हम लोग ने श्री गिरिराज गोवर्धन को हमने पूजा की, ये गिरिराज बाबा ने हमारी लाज बचाएगा। बोले चलो मेरे को सबके सब श्री गिरिराज की तलेटी में। जब गिरिराज की तलेटी में आए, जैसे एक छोटा बच्चा छतरी को उठा ले, ऐसे ही भगवान कृष्ण कनिष्ठ अंगुल में श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। बोले गिरिराज बाबा की जय। बोले ब्रजवासियों कोई चिंता मत करो, सबके सब गिरिराज की तलेटी में आ जाओ। मैया जसोदा बारंबार कान्हा को मक्खन खिला रही थी, लाला को भूख नहीं लग जाए, मेरे लाला की हाथों में दर्द नहीं हो जाए, इसलिए हाथ को मालिश कर रही थी। और जितने सबके सब गोप लोग थे, सबके सब डंडे ला करके गिरिराज में टिका था। बोले कन्हैया तू कब तक गिरिराज को खाओगे, थोड़ी तो विश्राम कर ले। कृष्ण ने कहा देखो ब्रजवासियों, तुमसे ये गिरिराज नहीं उठेगा। बोले क्यों, क्या तू अकेला मैया का दूध पिया, हमने क्या मैया का दूध नहीं पिए, हाथ नीचे कर ले, हम गिरिराज को उठा लेंगे। कृष्ण जब डंडे को धीरे धीरे नीचे किया ना, गिरिराज गोवर्धन नीचे आने लग गए, डंडे जो रखे थे ना वो डंडे सब छूटना शुरू किया। बोले कन्हैया हमसे गिरिराज नहीं टिकेगा, तू गिरिराज उठा ले। बोले गिरिराज बाबा की जय। अभी सब ब्रजवासी बड़े आनंद पूर्वक कृष्ण के मुखार बिंदों को दर्शन करते हुए बड़े सुंदर नृत्य कर रहे थे और गा रहे थे, नाच रहे थे। और इतने में श्री राधा रानी आ गई। राधा रानी आ गए तो राधा रानी को देख करके तो कृष्ण उनका हाथ डगमगाने लग गई है। इतने में सखा ने कहा कन्हैया क्या कर रहे हो, कहाँ देख रहे हो तू, ये गिरिराज को नीचे सारे ब्रजवासी, अगर गिरिराज गिर जाएगा तो सब ब्रजवासी खत्म हो जाएंगे, इधर उधर मत देखा करो, तू किधर देख रहे हो है। इतने में कृष्ण ने अच्छे तरह से गिरिराज को उन्होंने उठा लिया है और सारे ब्रजवासी आनंद ले रहे थे। जब 7 दिन इंद्र ने पूरा जी जान लगा दी ब्रज को सत्यानाश करने के लिए, इतने में श्री भोले बाबा ने चक्रों का आदेश दिया, भगवान को प्रार्थना की, ठाकुर जी ये ब्रजवासी तेरे ब्रजवासी है तो इनकी रक्षा करो। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया, बोले सुदर्शन चक्र तुम ऊपर चले जाओ और कोटि सूर्य को तेज को प्रकाश करो, जो बारिश ही होना ऊपर ऊपर से सबके सब सिखा दो। जितने बारिश हुई सुदर्शन चक्र अपना तेज को प्रकाश करते हुए सारे आकाश में जो पानी आ रही थी सबके सब उन्होंने सुखा दी। 7 दिन जब खत्म हो गए, इंद्र ने आदेश दिया, बोले देख करके आओ दूतों को, ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक दूत ऊपर ऊपर से देख देख कर गया,
बोले ब्रजवासी सब सत्यानाश हो गए। बोले महाराज जी ब्रज में एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। उसने और एक दूत को भेजा, बोले भैया तू देख करके क्या ब्रज में हो रहा है। वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था, उसने नीचे आया देखने के लिए और देखा ब्रज में एक चिट्ठी तक भी मरे नहीं है, वहां पर तो धूल उड़ रहा था। जब उसने वापस गया बोले ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रज का सत्यानाश क्या, तेरा सत्यानाश हो गया। बोले मतलब जिसको तू तो बालक समझ रहा था ना, उसने तो कनिष्ठ अंकुल नाथ को ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा करके रखे, और जितने ब्रजवासी विपद किया वहां तो संपत्ति है, वो सबके सब आनंद कर रहे थे, सबके सब नाच रहे थे गा रहे थे। बोले आज भी रजने होरी रे रसिया, आज भी रजने होरी रे Yeah.
ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा करके रखा,
बोले गिरिराज बाबा की जय। आप लोग जय कर ठीक से कोई नहीं बोल रहे हो, कोई जय कोई है बोले गिरिराज महाराज की जय। जो बोलिएगा जय उनका कट जाएगा भाई। जो बोलेगा जय उसका कट जाएगा भाई। इसलिए एक बार ये जयकारी दीजिए कैसे, इससे बहुत तरह का बीमारी भी दूर होता है। एक बार अरे एक बार बोल गिरिराज महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सारे ब्रजवासी जयकारी कष्ट बोलो प्रसन्न होकर के सबके सब नाच रहे थे और गा रहे थे। इतने में इंद्र जब ध्यान लगाया देखा कि ये कृष्ण कौन है, बोले जिसने कृपा करके वामन अवतार में बलि से मेरे को ये स्वर्ग राज्य वापस किया था, ये तो मेरे प्रभु है। इंद्र तो घबरा गए, लगता है मेरा इंद्र पद ही गया। उसने जा करके अपना गुरुदेव श्री बृहस्पति को प्रार्थना की, गुरु जी मेरे से गलती हो गई। गुरु जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले किसको पास में जाए, बोले चलो श्री पितामह ब्रह्मा जी को पास में चलते हैं। जब ब्रह्मा जी को पास में गए बोले तुमने सर्वनाश कर दी। ये कृष्ण ऐसे एक अवतार हुए हैं, उनने किसी का घमंड नहीं रखे, सबका घमंड को उन्होंने चकनाचूर किया और सबके सब जा करके कृष्ण चरण में प्रार्थना किया, माफी मांगे। इसलिए मैं भी कुछ दिन पहले पूरी तरह से फंस गया था। बोले आप भी फंस गए थे? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले एक समय सखाओ ने अपना गैया चराते चराते जब गए, एक अघासुर आ गया था जिसने मुंह फाड़ करके अजगर रूप धारण करके बैठा हुआ था। कृष्ण पीछे थे, सखा लोग आगे थे। सखा लोग देख कर तो डर गए, और ये सांप मुंह फाड़ करके बैठा हुआ। लेकिन जो बड़े बड़े सखा लोग थे बोले सांप इतना बड़ा थोड़ी हो सकता है। बोले वो तो, बोले चिंता क्यों करते हो, कृष्ण जैसे बकासुर को मारा उन्होंने ये अघासुर को भी वैसे मार डालेंगे, कोई चिंता मत करो। ए सबके सब अघासुर का मुंह में सबके सब प्रवेश कर रहे थे। जब प्रवेश कर रहे थे इतने में सांप का दो जीवा होता है, और जीवा कितने गुदगुदी होती है। किसने कहा भैया इसके अंदर में कोई क्या कारपेट बिछा करके रखा? किसने कहा इसमें ये दो रोड क्यों बने हुए? एक सखा ने कहा तेरे को पता नहीं, एक तो अंदर में जाने का और एक अंदर में आने का है। इतने में वो तो श्वास बंद करके बैठा हुआ था, जब धीरे धीरे श्वास को छोड़ा, श्वास तो गर्मी होता है। किसने कहा देखो अंदर से जैसे गर्मी गर्मी हवा आ रहा है। बोला अरे लगता है अंदर में कोई साधु संत भजन कर रहा है, चलो दर्शन करे आएंगे। इतने ऐसे करते 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 सबके सब चल रहे थे। कृष्ण दूर से देखा, वो तो समझ गया ये अघासुर मुंह फाड़ करके बैठा हुआ खाने के लिए। कृष्ण ने जोर जोर से बोले सखाओ अंदर में मत जाओ, ये अघासुर मुंह फाड़ करके बैठा हुआ। लेकिन सबके सब अंदर में चल चुके थे। कृष्ण ने देखा एक साथ में मेरे को दो काम करना पड़ेगा, एक तो सखाओं को बचाना और दूसरे में इसको मारना, कैसे एक साथ में करूं। कृष्ण जब अंदर में प्रवेश किए, कंस के जो चार लोग थे जब देखा कृष्ण अंदर में चले गए, बोले बस कंस का सारे काम हो गया, आज तो कृष्ण मारा जाएंगे। उन लोगों ने जाकर कि कंस को खबर दिया, बोले महाराज कंस तेरे काम हो गया है। बोले क्या? बोले हमने देख करके आया कृष्ण समेत सखा लोग अंदर में चले गए, बाहर तेरा शत्रु खत्म हो गया। कंस तो बड़ा खुश हो रहा था। जब कृष्ण अंदर में गए, भगवान ने अपना विराट रूप प्रकाश किया, इतने विशाल रूप भगवान धारण किए, मुंह कब बंद होगा, खाली हो तो मुंह बंद होगा। कृष्ण तो पूरा के पूरा उसको मुंह में ही भर गए, उसने और मुंह बंद नहीं कर पाया, गले में जाकर के ठाकुर जी अटक गए। अगर श्वास बंद हो जाए ना, एक मिनट में राम नाम सत्य हो जाती है। उसको श्वास बंद हो गया और बाहर भीतर श्वास नहीं जा पा रहा है,
इतने में उसका ब्रह्म तालु फट गया और वहीं पर अघासुर ने प्राण को त्याग दी। जब प्राण त्याग दी इतने में आकाश से जितने देवता लोग बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की सब जयकार लगाए। इतने में इनकी जयकार को सुन करके ब्रह्म लोग से ब्रह्मा नीचे उतर करके आए। बोले ये देवता लोग ये जयकार किसकी कर रहे हैं। जब उतर करके आए देखा कृष्ण 5 साल का बालक और इतने बड़े राक्षसों को उन्होंने मार डाले। देख करके बड़ा आश्चर्य लगा। फिर क्या देखा जब उसने प्राण त्याग की एक ज्योति उसको शरीर से निकला और जा करके कृष्ण को शरीर में उसने प्रवेश कर गया। ब्रह्मा जी ने देखा ये बच्चा कौन है, ये ब्रह्मा ज्योति भी शरीर में समा जाए। देखो अच्छे तरह से समझो, कोई कोई भगवान को कहते ना वो तो निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, बोले नहीं ये जो ब्रह्म है ये कौन है, ये उपनिषद और श्री वेद कहता है। वो वेद कहता है ये जो जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति कहते हैं, कहते भगवान की ये अंग का ज्योति जद अद्वैत ब्रह्म उपनिषद तद कस्य तन्वा। हमारे कृष्ण इतने सुंदर, इनके शरीर से ऐसे तेज निकलता है जिनकी शरीर का तेज ही ये ब्रह्म ज्योति। ब्रह्मा तो आश्चर्य में पड़े गए और थोड़ी सी आगे लीला देखने के लिए कृष्ण सखाओं को साथ में बैठ करके ग्वाल बालों को साथ में भोजन कर रहे थे। इतने में कृष्ण ब्रह्मा जी ने क्या की उनको सारे बछड़े को चोरी करके ले गए। जब कृष्ण ढूंढने के लिए गए इतने में सखाओं को भी उठा करके ले गए और एक गुफा में बंद कर दिया। इतने में कृष्ण ध्यान लगाया सब गए कहाँ, उनको जोग माया ने स्मरण कराया। बोले प्रभु इसको ब्रह्मा जी ने आपकी लीला दर्शन करने के लिए आपको लीला को ये समझ नहीं पाए इसलिए उन्होंने बछड़े सखा को चोरी किया है। इतने में कृष्ण अपना शरीर से जैसे सखा जैसे बछड़े थे उन्हें ठीक वैसे ही प्रकट किया और कृष्ण खुद को साथ में लीला कर रहे थे हैं। अभी 1 साल ऐसे बीत गई। ब्रह्मा जब ब्रह्म लोक में गए कृष्ण ब्रह्म लोक में पहुंचने से पहले कृष्ण खुद ब्रह्मा बनकर वहां पहुंच गए। जो उनका दरबार था बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रूपिया को घूमते हुए मेरे जैसे आएगा उसको घुसने नहीं देना। अरे कृष्ण खुद ब्रह्मा बनकर बैठ गए ब्रह्मा जी की गति पर। जब असली ब्रह्मा आए उनका जो दरबार थे ना दंड लेके तो भगाए उसको। बोले प्रभु सही कह रहे थे, तू कहां से आ गया, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा बोली ये क्या, मैं असली ब्रह्मा हूँ फिर मेरे ब्रह्म पद किसने दखल कर लिया है। ध्यान लगा करके देखा वो ब्रह्म पद को स्वयं भगवान कृष्ण ही दखल करके बैठ गए। ब्रह्मा गए और आए और इसी मरते जगत में हो गया 1 साल। 1 साल बाद में जब आते हैं फिर देखते हैं कृष्ण 1 साल पहले जैसे लीला कर रहे थे अभी भी उन्होंने वैसे ही लीला कर रहे हैं। फिर तो चकरा गए, बोले जिनको लेकर के मैंने गुफा में बंद करके रखा था वो गए कहा, जा करके देखा वो वैसे कैसे सोए हुए। ब्रह्मा का 4 सर है, इधर 2 और इधर 2। जब एक साथ में दोनों तरफ में देखे भगवान ने दिखाया बोले देखो ब्रह्मा मैं कौन हूँ, जितने बछड़े सखा थे देखा सबके सब 4 हाथ वाले विष्णु सबके सब 4 हाथ वाले नारायण। ब्रह्मा समझ गए ये जो कृष्ण है ना ये मेरे बाप के बाप के बाप के बाप ये श्री कृष्ण है। बोले श्री बाप के बिहारी लाल की जय। तब ब्रह्मा जी भगवान की चरण में गिर पड़े, आंखों का आंसुओं से ठाकुर का चरणों को अभिषेक की और हाथ को मलते मलते भगवान को स्तुति करते हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं, बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। देखो ये ब्रह्मा जी ये बात को कह रहे हैं, अच्छे तरह से समझ लो हरे कृष्णा ठीक से समझो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये ब्रह्मा कह रहे हैं। ब्रह्मा कौन है, जगत को जिसने सृष्टि किया है,
हमारे कितने सर है? कितना सर तुम्हारे? एक। ब्रह्मा जी के कितने सर है? चार। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई कोई कहते ना, अरे वही जो कन्हैया जो गैया को पीछे पीछे दौड़ता था, घर घर में मक्खन चोरी करता था, गोपियों के साथ में नाच लेते हैं, है कोई कोई कहते हैं। तब पितामह ब्रह्मा कहते, भैया मैं ब्रह्मा कह रहा हूँ जो दुनिया को सृष्टि करने वाले, तुम्हारे एक सर मेरे चार सर है। कहते ये पृथ्वी को धूल कणा को कोई गिर सकते हैं, बारिश का बूंद को कोई गिर सकते हैं, लेकिन ये जो कृष्ण है ना, देखो तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल बैठे हुए, इनको साधारण मत समझो, वो देखने में बड़े छोटे लग रहे, छोटे लग रहे हैं, छोटे से बैठे हुए, छोटे नहीं ये बड़े खोटे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले जिनकी एक एक लोक कूप में एक एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिनकी एक लोक कूप में विद्यमान। जब ये थोड़ी सी टेढ़ी भौं करते ना, सारे देवता लोग घबरा जाते हैं, काल भी जिनको भ्रुकुट देकर काल भी डर जाता है, जिनकी इच्छा के बगैर जगत में एक पता भी नहीं हिलता है। इसलिए ये कृष्ण कोई साधारण नहीं, ये ईश्वर है। ईश्वर मतलब क्या? कहते अकर तुम कर तुम अन्यथा कर तुम ज सक्यते स ईश्वर, मतलब है जो है को नहीं और नहीं को जो है कर सकते हैं, मरे हुए व्यक्ति को भी जो जिंदा कर सकते हैं। ठाकुर ने जिंदा किया ना, कबर ने मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया। जब कृष्ण अपना गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, उन्होंने 64 दिन में 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन कर लिया। गुरु जी समझ गए ये कृष्ण बलराम दोनों भैया कोई साधारण नहीं। जैसे बच्चे लोग कोई सीए करते हैं, कोई इंजीनियरिंग करते हैं, कोई डॉक्टरिंग करते हैं, उनको पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाता है तभी उसको खत्म नहीं कर पाते। लेकिन जगत में जितने आठ है ना विद्या, 64 तरह का विद्या है, लेकिन कृष्ण ने 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को उन्होंने पढ़ लिया। गुरु जी देख करके तो आश्चर्य में पड़ गए, बोले हे भगवान, एक एक बच्चा दिन देख भर पढ़ने पर भी एक विद्या नहीं पढ़ पाते हैं, और इन्होंने तो 64 दिन में 64 विद्या को उन्होंने पढ़ लिया। तो उनको गुरु माता ने, गुरु जी ने शांति पत्नी से उनको पत्नी से बोले, देख ये जो कृष्ण बलराम है लगता है ये कोई साधारण नहीं, लगता है भगवान है, क्योंकि मैं जब एक सूत्र इनको देता हूँ दूसरे दिन सूत्र वृत्ति टीका को साथ में ये मेरे को बोलते, मेरे को जो पता नहीं वो बोलते हैं, लगता है ये भगवान है। देखो ये पता किसे चलेगा ये भगवान? नियम है जब गुरुकुल में कोई पढ़ता है वो जाने से पहले गुरु जी को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। जब ये गुरु दक्षिणा मांगेंगे इनसे, हम ये मांगेंगे हमारा बेटा जो मर गया बचपन में, वो मरे हुए बेटे को हमें वापस दे दो। अगर ये भगवान होगा तो भगवान क्या कर सकते हैं? मरे हुए बच्चे को भी जिंदा कर सकते हैं। कौन? ये ठाकुर जी है। सचमुच से उनसे उन्होंने मरे हुए बेटे को वापस मांगे, बोले ठीक है गुरु जी कोई चिंता मत करो। उन्होंने गए, पहले तो उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया, क्योंकि बच्चा समुद्र में चला गया था, वहां पर शंका स्वरूप देखा और उनको युद्ध करते हुए उनको मारे, और वहां से शंख लिए, जिस शंख को पांचजन्य शंख कहते हैं, इसका आवाज ही अलग है। फिर वहां मिलाए नहीं, फिर उन्होंने गए जब महाराज के पास में, काल के पास में, और भगवान ने वहां पर शंख बजाया। शंख बजाते ही स्वयं काल थर 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 कांपते हुए आए, लगता है मेरे बारी आ गई। क्यों? इंद्र का अभिमान भी चकनाचूर की, ब्रह्मा को भी की, उन्होंने सोचा शायद मेरा ही नंबर आ गया है, और काल स्वयं थर 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 कांपते हुए आए, बोले प्रभु आपको क्या सेवा करे? बोले मेरे गुरु जी के बेटे को वापस दो, मेरे गुरु जी का बेटा जो मर गया उसको वापस दो। स्वयं जाम मरे हुए बच्चे को उन्होंने वापस लाए, मरे हुए बच्चे को उन्होंने वापस लाए। कहां से वापस लाए? जमपुरी से। जगत में ऐसे काम कोई कर सकते हैं? जब देवत को पता चला, इधर सुना माता है बात मत करो, मैंने पहले कहा था ना जो जिसको जानते हो उसको पास में मत बैठा करो, उससे थोड़ा हट करके बैठो, मैं ऊपर बैठा हूं ना सब देख रहा हूं कौन क्या कर रहे हैं। कोई एक साड़ी पहन करके आ जाए तो उसको तरफ पे देखना शुरू कर देते हैं, कैसे बढ़िया साड़ी पहन करके आए हैं,
हमसे अगर कोई बड़ी अच्छी सुंदर साड़ी पहन लिया, बोले ये इतने मेरे से अच्छी साड़ी पहन कैसे लिया। इसलिए मेरे तरफ में देखो, जब देवती को पता चला मेरे बेटा ने मरे हुए बेटे को उन्होंने जमपुर से लाए, देवकी बोले लाला कन्या मेरे भी छह छह बच्चों ने मर चुके, कंस ने मार चुका है, मेरी इच्छा मेरे बच्चों को देखने के लिए ला दोगे। बोले भैया चिंता क्यों करती हो। फिर उन्होंने गए जमपुर से, फिर उन्होंने छह छह बच्चों को लेकर कहा, छह छह बच्चों को लेकर कहा गई द्वारका में एक ब्राह्मण था जिनके बच्चा जन्म होते मर जाता था। एक दिन अर्जुन को साथ में कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध बैठे हुए थे। वो ब्राह्मण ने मरा हुआ बेटे को लाए, बोले कृष्ण तेरे राज्य में मेरे बच्चे क्यों मर रहे हैं। कहते ये राजा का जो पाप है ना, ये प्रजा लोग भोग करते हैं, लगता है तू बड़ा अधर्मी हो, इसलिए तेरे देश में मेरे बच्चे मर जाते हैं। वहां पर अर्जुन बैठा हुआ था, अर्जुन ने कसम खाए, बोले इस बार जब तेरे बच्चा होगा ना मेरे को थोड़ा स्मरण कराना, मैं तेरे बच्चों को रक्षा करूंगा। ब्राह्मण ने कहा हिजड़े तू क्या रक्षा करो, जहां पर साक्षात कृष्ण बैठे, यहाँ स्वयं दाऊ भैया बैठे हुए, प्रद्युम्न अनिरुद्ध शंकरसन ये सबके सब बैठे हुए, ये रक्षा नहीं कर पाते, तू क्या हिजड़े रक्षा करोगे। बोले मैं कृष्ण बलराम नहीं, मैं गांडीव बिहारी अर्जुन हूँ, अगर तेरे बच्चों को मैं रक्षा नहीं कर पाया ना, ये प्राण ही मैं त्याग दे दूंगा। इन्होंने प्रतिज्ञा उन्होंने लिए, केवल मेरे को स्मरण करा देना जब तेरा बच्चा होगा। जब ब्राह्मण का बच्चे होने का समय आए, वो ब्राह्मण दौड़ दौड़ करके आया, बोले अर्जुन जल्दी जल्दी आ जाओ, अभी मेरा बच्चा जन्म लेने वाले। अर्जुन वहां पर गए और उन्होंने ऐसे बाण मारे, वो सुतिका क्रिया को पूरा बंद कर दिया, जैसे वहां हवा भी नहीं घुस सकता है। और अर्जुन गांडी में लेकर खड़े हो गए, बोले देखता हूं लेने वाले कौन है। हर बार क्या होता था, बच्चा तो जन्म लेता था लेकिन वो मर जाता था, लेकिन शरीर रहता था, लेकिन इस बार बेटा तो जन्म हुआ, थोड़ी सी बच्चे का रोने की आवाज आई और उसको शरीर समेत गाये। इतने में जो ब्राह्मण था ना, इतने गाली गलौज की, बोले हिजड़े तेरे को मैं पहले से बोल रहा था, जहां कृष्ण बलराम स्वयं यहाँ प्रद्युम्न अनिरुद्ध अनिरुद्ध यहाँ पर बैठे हैं, जब ये नहीं रखा कर तू क्या रखा कर, इतने गाली देने लग गए। अर्जुन साधारण था नहीं, अर्जुन वहां पर ध्यानस्थ हो गए, बोले ये बच्चा गया तो गया कहां पर। उन्होंने अपना मन में भूर भुग मोह जन तप सत्य अतल बीतल तलातल पाताल सब लोग को ढूंढ लिया, लेकिन कहीं उसे बच्चे नहीं मिला। लेकिन उसने क्या प्रतिज्ञा लिया था, अगर तेरे बच्चे को हम रक्षा नहीं कर पाएंगे तो अग्नि में शरीर को हम दाह कर देंगे। इतने में अर्जुन जब अग्नि जलाया, जब उसमें दाह करने जा रहा था, इतने में कृष्ण बल मेरे साथ में, तब उन्होंने कृष्ण को लेकर के उन्होंने गए भगवान विष्णु के पास में गए। और जब विष्णु के पास में गए, भगवान विष्णु कहा प्रभु आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर आप हो, आपको मैं दर्शन करना चाहता था, मैंने देखा मैं तो दर्शन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने बच्चों को चुराया। अर्जुन प्रतिज्ञा की, मेरे को पता अर्जुन तेरा भगत है, इसको तुम मरने तुम दोगे ही नहीं, इसलिए तुम स्वयं बच्चे लेने के लिए आओगे। वहां पर बैठ जाओ भैया, ऊपर में पुणे में बैठो, इसको आने नहीं देना, ठीक है। इसलिए आप अर्जुन आपका भक्त है, हमें पता भक्तों को आप मरने नहीं दोगे, जरूर यहाँ पर आओगे प्रभु, तेरे को मैं दर्शन करने के लिए बच्चों को चुराया है, इसलिए आप लोग ये सारे बच्चों को लेकर जाओ। उन्होंने वैकुंठ से भगवान को पास से मरे हुए बच्चों को वापस लाए। देखो माताएं ध्यान देकर सुनो, कभी कभी हम लोग जिसको तिसको व्यक्ति को ना हम भगवान 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 कह देते हैं। भैया भगवान कोई नहीं, भगवान तो हमारे कन्हैया है, भगवान तो हमारा नाम है, और कोई अभी जो नए नए भगवान निकल रहे हैं ना, सब सब नए नहीं, इसको भगवान भगवान कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हें भगवान कहते हैं किसको, अभी तुमने गीता रामायण भागवत तो पढ़ाई नहीं, कोई थोड़ा चमत्कार दिखा दिया, कोई थोड़ा बीमारी सही कर दिया, नहीं तो किसी ने थोड़ी सी
ये चुटकी बजा कर किसको नौकरी दे दिया, बस भगवान भगवान हो गया। अगर बीमारी सही करने पर भगवान होते तो सारे डॉक्टर तो एक एक भगवान है। अगर थोड़ी सी जादू दिखाने पर भगवान होते, पीसी सरकार का नाम सुने है ना, जो मरे हुए व्यक्ति को भी जादू दिखाता है, मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देता है, तो सबसे बड़ा पीसी सरकार भगवान है। नौकरी देने पर भगवान होता, मोदी कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो घूम कर बैठो, मोदी कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो वो तो भगवान हो जाता ना। इसलिए भैया भगवान इनको नहीं कहते हैं, जो मरे हुए व्यक्ति को जो जिंदा करते। कृष्ण कितना बार जिंदा किया, तीन बार उन्होंने मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया। गिरिराज गोवर्धन को उठाया, कल सुन रहे थे ना, गिरिराज गए हो, कौन कौन गिरिराज गए हो, जिसको केवल परिक्रमा करने के लिए 7 घंटा लगता है। अभी जिसको भगवान कहते हो, 1 क्विंटल पत्थर ला कर उसका हाथ को कर रख दो, देखना कल उसका नानी निकल जाएगी। भगवान ने अग्नि को पान किया, ठाकुर ने अग्नि को दावान लोगों ने 3-3 बार भगवान ने पान किया। अभी जिसको भगवान कहे तो मुंह में थोड़ा आग लगा करके देखो हैं। अभी सुना गया कृष्ण कालिया ह्रद में कूद पड़े, इतने उससे पानी फूटता था, इतने जहरीला था, आस पास में कोई पेड़ नहीं होते थे, ऊपर में कोई चिड़िया भी उड़ करके नहीं जा पाते थे, इतने जहरीले। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, काली ह्रद में ठाकुर जी कूद पड़े और वहां पर उन्होंने हैं कालियों को उन्होंने दमन किया। ये भगवान है, समझ रहे हो, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। भगवान ने राम जगत में 11,000 साल तक राज्य तो किए। भगवान का कभी दाढ़ी मोच देखे हो, कभी भगवान की कभी दाढ़ी मोच देखे हो, कभी भगवान कृष्ण 125 साल तक रहे। भगवान कृष्ण को कभी बूढ़े होते हुए देखे हो, रामायण कौन कौन देखे हो, रामायण हाथ उठा कर देखे हो, जब भगवान अयोध्या धाम है कि नहीं, ठाकुर जी की देखे हो अयोध्या, और ठाकुर जी जब गए देखे हो, कहते सरज में स्नान कर रहे थे, वैकुंठ से रथ आ रहा था, ठाकुर जी पूरा अयोध्या वासियों को लेकर गए, एक और उन्होंने नहीं छोड़ा जगत में, सबको ठाकुर जी लेकर गए, क्योंकि भगवान अपना भक्तों को लेकर के आते हैं और भक्तों को लेकर के ठाकुर जी चले जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी कभी मरते नहीं, ठाकुर जी कभी बूढ़े नहीं होते हैं। वो बूढ़े होकर को जो मर गया, हम उसको पीछे भगवान ये भगवान भगवान भगवान, सब पागल हम लोग हैं। भगवान कोई नहीं है, भगवान भगवान हमारे राम, भगवान हमारे कृष्ण, और कोई देवता नहीं। इसलिए इसी चक्कर में मत पड़ा करो, अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान, ये भगवान भगवान कुछ नहीं है। आप लोग ग्रंथ शास्त्र पढ़े नहीं तो इसलिए जिसको तिसको पीछे भगवान भगवान भाग रहे हो। इसलिए खबरदार, जिसको तिसको पीछे भागना नहीं। तुम लोग गुजरी है ना, गुजर का भगवान को ये गिरिराज बाबा है, कान्हा तुम्हारी घर के भगवान यही भगवान है, हमारी और कोई भगवान नहीं है, ठीक है ना। इनको छोड़ करके अभी दुनिया में जो नए नए भगवान निकल रहे ना, हम नाम लेना नहीं चाहते। एक भगवान भगवान बोल रहा था, जेल में बंद है सबके साथ। उड़ीसा में एक भगवान निकला था, उसका लगेट बैठते थे, ऐसे गद्दा काम किया, अभी जेल में बैठ कर जेल भोग कर रहा है भगवान, जिनके नाम लेने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए आप इधर उधर भगवान के चक्कर में मत पड़ा करो, एक कृष्ण को सिखाए और किसको भजन मत करो, ठीक है। इसको कांट बांध करके ले जाओ घर में, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय श्री लाल। इसलिए यहाँ पितामह ब्रह्मा कहते हैं कि ये जो भगवान कृष्ण है, ये सबका मूल का मूल का जो मूल है, ये भगवान ये कृष्ण है, जिनसे ये विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, हैं? ये भगवान कृष्ण है। बल ज्ञाने प्रयास नमंत एव जीवंती सन्मुखरीतं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितां श्रुतिगतां तन्वाङ् मनोभि जे प्रायस अजीत जितोऽपि त्रैलोक्यां। ब्रह्मा जी कहते हैं अगर कोई भगवान को पाना चाहते हो क्या करो, बोले जितने तुम्हारी अभिमान हैं सारे अभिमान को त्याग दो, सारे अभिमान को त्याग देकर क्या करो,
बोले संतों की चरण में बैठ करके उनकी मुखार बिंद से कृष्ण कथा रूपी जो मंदाकिनी की नदी बहती है वो नदी में स्नान करते रहो और अब काय मन और वाक्य ये तीनों से भगवान की कथा श्रवण करो और जीवन में जो कुछ आता है सब समझो ठाकुर का इच्छा है। हम कहते ना ठाकुर को इच्छा के बगैर की पता भी नहीं हिलता है, इसलिए और जीवन में जो कुछ आता है क्या समझो, जैसे किसको बोलो ना भगवान की भजन करो, बोले अभी क्या भजन करेंगे, अभी तो बाल बच्चे हैं, इनको बड़ा बनाऊंगा, इनकी लेखा बड़ा सिखाऊंगा, इनकी शादी शुदा करूंगा, जब रिटायर्ड लाइफ हो जाएगी ना एक दो माला सट्टा लेंगे। देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बोले स्थाने स्थिता, स्थाने स्थिता मतलब होता है जीवन में ये समझो भगवान जिस अवस्था में रखने पर हमारी मंगल हो, समझो ठाकुर जी हमें वही अवस्था में रखे, अभी जिस अवस्था में हो तुम उसी अवस्था से भगवान की भजन करो, ठाकुर जी की भजन करना शुरू करो, जब प्रभु की भजन करोगे फिर जीवन में अच्छा स्थिति आएगा, उनको भजन किए बगैर कभी जीवन में अच्छी स्थिति नहीं आएगी। एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, बोले एक राजा और एक मंत्री थे, जो मंत्री था बड़ा भक्त है, हर बात बात में बोलता था ठाकुर जी जो करते अच्छे के लिए करते, ठाकुर कभी हमारी अमंगल नहीं कर सकते क्योंकि ठाकुर जी मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी। एक दिन राजा ये मंत्री दोनों जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते खेलते राजा का जो ये कनिष्ठ अंगुल कट गई, कनिष्ठ अंगुल कट गई तो राजा ने बोले महामंत्री मेरे ये कनिष्ठ अंगुल कट गया है, मंत्री तो बड़ा भगत है, बोले देखो इसमें भी ठाकुर का कुछ इच्छा है, इसमें भी तेरा कुछ मंगल है, भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। इतने में राजा को तो बड़ा क्रोध आया, बोले जिंदगी भर के लिए मेरी अंगुल कट गई और तू कहते हो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बोले भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, बोले ठाकुर कभी अमंगल कर ही नहीं सकते, ठाकुर तो मंगलमय वो तो कभी अमंगल करते ही नहीं, बोले जो कुछ करते अच्छे के लिए, बोले और किया, ध्यान से सुना। इतने में एक सूखा कुआ था, राजा ने किया क्या, वो मंत्री को धक्का मार कर कुएं में गिरा दिया, बोले ठाकुर जो करते अच्छे करते ना कुएं में पड़े रहे, देखूंगा तेरा कैसे ठाकुर मंगल करते। राजा वापस आ रहा था, इतने में कोई एक देवी की पूजा करने वाला था जिसने भद्रकाली को सामने देवी को सामने मनोती रखा था, बोले माँ मेरे घर में एक बेटा हो जाएगा तो तेरे पास में एक नर बलि दूंगा, अभी उसको घर में किसी तरह से एक बेटा हो गया, वो टाकू का सरदार टाकुओं को ले जाओ तो कहीं भी कोई इंसान मिले उसको पकड़ करके ले आओ, ढूंढते ढूंढते मिल गया राजा, बोले वाह बड़े सुंदर है ये तो खुश महार ये देवी तो खुश हो जाएगी, राजा को पकड़ करके ले आओ और ला करके देवी को सामने जो बलि चढ़ाने जा रहे थे इतने में उठाया वो खड़ग, खड़ग ऐसे उठा करके जब काटने जा रहे थे इतने में उसका नजर पड़ा ये अंगुल को, ये अंगुल कटा हुआ था खून टपक रहा था, वो उठाया था काटने के लिए, राजा तो छटपट छटपट कर रहा था, इतने में जब देखा उसका खून टपक रहे उन्होंने तलवार नीचे उतार दिया, बोले नहीं ये माँ देवी की सेवा में ये लग नहीं सकता, क्यों, नियम है वही वस्तु माँ देवी की सेवा में लगेगा जिसका शरीर संपूर्ण हो, जिसका अंग कटा हुआ हो वो कभी देवी की सेवा में नहीं लग सकता, उसको छोड़ दिए। जब छोड़ दिए ना राजा ने देखा भैया ये मंत्री जो बोल रहा था सही बोल रहा था, ठाकुर जी जो करते अच्छे करते, ठाकुर कभी अमंगल कर ही नहीं सकते हैं, अगर ये अंगुल मेरा कटा हुआ नहीं होता तो मैं तो पूरा के पूरा देवी की बलि में चढ़ जाता, पूरा के पूरा मैं बलि चढ़ जाता, उसको पूर्ण ज्ञान हो गया ठाकुर जी जो करते अच्छे करते हैं। वो राजा वापस आया, वापस आ करके जो अंधे कुएं में उसने जो धक्का मार करके मंत्री को फेंक दिया था वो मंत्री को वहां से निकाला, बोले महामंत्री तुमने जो बोला था सही बोला था, बोले क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे अगर मेरा अंगुल कटा हुआ नहीं होता तो मैं तो पूरा का पूरा बलि चढ़ जाता,
ये सही तुमने बताया। इतने में राजा ने कहा, देखो मेरे को तो विश्वास हो गया ठाकुर जी जो करते अच्छे करते हैं, लेकिन एक चीज मेरे मन में शंका, बोले क्या है? बोले तेरे को तब से अभी तक मैंने ये अंधकार कुएं में जो डाल करके रखा था, तेरे कल्याण क्या हुआ है? तेरे कल्याण कैसे हुआ? तेरे को तब से अभी तक मैंने कुएं में डाल कर रखा। देखो मेरे तरफ में, यहाँ पर मंत्री कहता है, महाराज कल्याण थोड़ी तुम्हारा हुआ, कल्याण तो मेरा ही हुआ। बोले क्यों? बोले अगर तू मेरे को कुएं में धक्का मार करके नहीं गिराता, अगर दोनों चलते ना, तेरा तो अंगुल कटा हुआ, तेरे को तो छोड़ देते, मेरे को पूरा के पूरा देवी को सामने बलि चढ़ा देते। समझ गए कि नहीं? क्या समझ रहे हो? इतनी सी बात लेकर के जाओ, जीवन में जो कुछ आता है भगवान हर काम अच्छे के लिए करते, कोई बुरे के लिए करते नहीं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो जीवन में आता है अपना कर्म फल मान करके भोग करते रहो, ब्रह्मा जी कहते हैं, लेकिन प्रभु का भजन कभी मत छोड़ो। दुनिया छूट जाए लेकिन प्रभु का भजन नहीं छूटनी चाहिए, भगवान की भजन करते रहो। तब एक उदाहरण देते हैं, जैसे किसी पिताजी की अथाह संपत्ति, किसी पिताजी की अथाह संपत्ति, चुपचाप बैठो सामने, इसलिए किसी पिताजी की अथाह संपत्ति है, बेटे को वो संपत्ति कब मिलेगा? बेटा अगर जिंदा रहे तब तो मिलेगा, अगर बेटा अगर बीच में मर गया, पिताजी का संपत्ति मिलेगी तेरे को? नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी असली पिता कौन है? कौन है? बोले तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें वह, तुम्हें वह बंधु सखा, तुम्हें वह, भगवान ही हमारी असली पिता, वो अथा संपत्ति की मालिक, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक ठाकुर जी। तो वो संपत्ति तेरे को कब मिलेगी? वो आनंद स्वरूप है, वो सचिदानंद रूपाय, वह सत स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप, वो आनंद स्वरूप है, लेकिन वो आनंद मिलेगा कब? जिंदा रहोगे तब तो मिलेगा। मतलब ये भक्ति में जब तुम टिके रहोगे तब तो वो प्रेम तुमको मिलेगी, अगर बीच में थोड़ी बहुत बड़ी कोई विपत्ति आ गया तो माला फाला छोड़ छाड़ करके नास्तिक बन गए। बोले भगवान ने हमारे साथ में यही किया। बोले बताओ तुम संपत्ति मिलेगी कैसे? इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई भी स्थिति तुम्हारी क्यों नहीं आए, हर स्थिति में भगवान की भजन करो, कभी भगवान को भूलो मत। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। इसलिए पिता महाब्रह्मा जी जब भगवान को स्तुति कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी खुश नहीं हो रहे थे, ठाकुर तो सखाओं को साथ में मस्ती से खेल रहे थे, और सखाओं तो ब्रह्मा को चिढ़ा रहे थे, बोले देखो ये चौमुहा चार मुंह वाले कहां से आ गया है, हैं? ठाकुर जी ने देखा, भैया ठाकुर को इतने सुंदर सुंदर में स्तुति करता हूँ, तब भी ठाकुर खुश नहीं होते हैं। अभी तक तो ठाकुर को स्तुति की, अभी थोड़ी सी उनको भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ। अरे ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जगमित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। बोले ये ब्रजवासी लोग कितने सौभाग्यवान, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन होकर के सखाओं का सखा बन जाते हैं। जब सखा लोग आपस में खेलते हैं, उनका अंदर में पण रहता है, कृष्ण हार जाएगा तो घोड़ा बनेगा, सखा हार जाएगी तो घोड़ा बनेगे। कभी कभी कृष्ण जब हार जाते हैं ना, श्री राम को कंधे पर बैठाना पड़ता है, बोले ले चल यहाँ से भांडरी बट ले चल माट बन से, कृष्ण घोड़ा बनकर कृष्ण कंधे पर बैठाते हैं। कोई फल मिल गया तो इसी सखा को कोई फल मिल गया, खा करके देखा बड़ा मीठो है,
बोले कन्हैया ये फल बड़ा मीठा है, बोले अकेले सारे खाओ तो मेरे को नहीं दोगे, कृष्णा छीन करके झूठा खाते हैं। कृष्णा जब नटखट की मक्खन मटकी पड़ी मैया ने क्या की, उनको उखल में बांध देती है। रासलीला करते करते अगर गोपियां कभी थक जाती है, कृष्ण क्या कहते, बोले गोपियां ना चरण दबा दी, थक गई हो, मतलब इन लोगों ने ऐसे कौन सा पुण्य किया जो भगवान जिनके सखा बेटा और प्रियतर तक गए, जो उन्होंने ब्रज वासियों को स्तुति की ना, इतने में कृष्ण थोड़ा मुस्कुरा दी। फिर तो ब्रह्मा जी को पता चला कृष्ण का कमजोर कहाँ पर, कहाँ कमजोर है, शिक्षा देते हैं मेरी सेवा से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे कोई भक्तों की सेवा करे तो उससे मैं ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय है। ऐसे ही यहाँ पर पितामह ब्रह्मा इंद्र को बोले देखो ये जो कृष्ण अवतार है इन्होंने किसी की घमंड को नहीं रखा, सबका घमंड को चकनाचूर कर दी। बोलो कृष्ण गोपाल है, गैया को पालन करने वाले, ये कृष्ण गो माता है, अगर सुरभि गावी की आनुगत्य में जाओगे तो कृष्ण संतुष्ट हो जाएगी। फिर उनकी आनुगत्य में गए, कृष्ण के चरण में माफी मांगे, भगवान को अभिषेक किया और भगवान का एक नया नाम रख दिया गोविंद नाम। बोले गोविंद भगवान की है। तब इतने में भगवान ने उसको डांट लगाई, बोले इंद्र जस अहम अनुभिर्नामि हरि से तद धनुषनि, मैं जिसको पर कृपा करता हूँ ना उसका सारे अभिमान को तोड़ देता हूँ, अभिमान को तोड़ करके उसको फिर अपना भक्त बनाता हूँ। इसलिए तुम्हारे अंदर में अभिमान आ गया था, तू सोच रहे थे इंद्र मैं स्वर्ग का राजा हूँ, ये ब्रजवासी प्रजा है, तेरे घमंड को उतारने के लिए मैंने लीला की, खबरदार कभी ऐसी गलती नहीं करना। बोले ठाकुर जी मेरी गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। बोले श्री गोविंद भगवान की जय, जय 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 श्री राम। हाँ ये बच्चा ये बहुत दिन से एक सुंदर स्टोरी सुनाने के लिए सोच रहा था लेकिन अभी तक वो बोल नहीं पाया, अभी एक सुंदर एक छोटी सी आपकी कथा सुनाएगा और इसको बाद में आप लोग तो नाचे हो हम लोग ने देखा, लेकिन आज हमारी ये भी नाचेगा, लेकिन आप लोग कोई नाचना नहीं, आप लोग कोई खड़े नहीं होना, ठीक है ना, ये अकेला नाचेगा और ये थोड़ी सी कथा सुना करके उसको बाद में प्रभु जी के भजन गाएंगे, ये अकेला नाचेगा, फिर हम देखेंगे। थोड़ी सी पीछे हो जाओ, अभी आप लोग छोटी सी कथा सुना। ओम अज्ञान तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शिशुक शौनक भीष्म दाल्भ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानां परम भागवतां नमामि। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शुद्ध भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत 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 कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु सहित समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियां जो यहाँ पे श्रीमद् भागवत जी का दिव्य श्रवण करने के लिए आए हैं आप सभी को कोटि कोटि यथा योग्य प्रणाम दंडवत अर्पण करता हूँ। मेरे गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि मैं कुछ कथा भगवान के दिव्य निर्मल भक्त चरित्र के ऊपर आप लोग को सुनाऊं। देखिए ये कथा बरसाने की और बिल्कुल सच्ची घटना है। गुरुदेव को ये कथा इतनी पसंद है इतनी अच्छी लगती है हमारे गुरुदेव को कि वो दास पर अनुग्रह करके बार बार इस कथा को कहने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार क्या हुआ, अब कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक प्रकार से इसको सुन लो, थोड़ी सी थोड़ा सा ही है, आराम से बैठो। ओ माता जी बैठ जाओ, फिर ले लेंगे आपसे, कोई नहीं।
सच्ची घटना है। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे, वो सेठ जी के तीन बेटे, तीन बेटों की बहू थी, पर उस सेठ जी की पत्नी जो है उसका देहांत हो चुका था। सेठ जी को मन में सब कुछ था, सेठ जी के पास अथा ऐश्वर्य संपत्ति, परंतु सेठ जी के मन में एक दुख था कि उनको कोई बेटी नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ, संत के पास वो गए, क्योंकि संत जो है संत ही कृपा करते हैं। संत में हाँ, संत हमारे मात पिता है, संत ही भाई बंधु, संत मिलावे राम जी सो और काटे भव के फंद, संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो अरे कैसे भक्ति करूं मैं हरि की हो करके निष्काम, ऐसी युक्ति बताओ बाबा सुमिरू मैं हरि को नाम, संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। इसलिए वो संत के पास गए, संत के पास जाकर के बोले कि मेरे कोई बेटी नहीं है। संत ने कहा सुनहु सेठ तुम को मिलो बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। सेठ जी को कहा संत ने, अरे तुम तो बरसाना के वासी हो, क्यों उदास हो रहे हो कि कोई मेरे बेटी नहीं है, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। संत कृपा करके चले गए। अब तो वो सेठ इतना प्रसन्न हुआ, राधा रानी को ही अपनी बच्ची मानने लग गया, बेटी मानने लग गया, और राधा रानी का चित्रपट, बहुत सुंदर चित्रपट बनवाया और मंगवाया और अपने कमरे में रखवाया। जैसे ही दुकान से आता तो और उसके लिए भोजन आता तो सबसे पहले राधा रानी को वो अर्पण करता कि लो बेटी पहले आप पाओ फिर हम पाएंगे। ऐसे बहुत दिन हो गए। एक दिन क्या हुआ, वो सेठ जी के घर मनिहारन आई चूड़ी बेचने वाली। जब मनिहारन आई चूड़ी बेचने वाली तो उस मनिहारन का एक नियम था कि वो उसकी जो तीनों बहुएं हैं सेठ जी, जो बेटों की बहू है, उनको घर पे चूड़ियां पहना देती थी, लेकिन जो मजदूरी होती थी, पैसा होता था, वो सेठ जी की दुकान पे लेने जाती थी। तो आई मनिहारन पहनाने के लिए चूड़ी, देखत मनिहारन जू चूड़ी पहनाई बेको तीनहु पहनाई, आज चौथो कर आयो है। एक को पहनाई चूड़ी, दो को पहनाई, तीन को, लेकिन आज देखा अरे ये चौथा हाथ कहां से आ गया, चौथा तो कोई सेठ जी के यहां था ही नहीं चूड़ी पहनने वाला। तो सोची मनिहारन, क्या मुझको तो चार हो चाहे तीन हो पहना देनी है, और जो मजदूरी है वो सेठ जी से लेनी है। तो उन्होंने पहना दी। जब पहना दी तो गई सेठ जी दुकान पे। जब दुकान पे गई सेठ जी के, वो मनिहारन पैसे लेने के लिए, मजदूरी लेने के लिए, तो जैसे ही गई तो वहां पे कहा सेठ जी से कि भाई मेरी मजदूरी दे। सेठ जी ने कहा अच्छा चूड़ियां पहना करके आई है। हाँ चूड़ी पहना करके आई हूँ, तो ठीक है ये ले। बोली आज तीन की नहीं चार की लूंगी। लीन मजदूरी चार लोगन की तापे देखी, चूड़ी पहनाई चार धन्य करी डारी है। तीन की नहीं लूंगी चार की मजदूरी। सेठ जी बोले हमारे घर चौथा तो कोई है नहीं चूड़ी पहनने वाला, तू झूठ बोल रही है। देख तेरे को पैसा चाहिए ज्यादा तो तू वैसे ले ले, लेकिन झूठ मत बोल। उसने कहा कि मैं क्यों झूठ बोलूं, तुमने मुझको समझ क्या रखा है सेठ जी, सत्य बोल रही हूं, चार है पता लगवा लेना। बोले ठीक है कल आइयो पैसे लेने, आज नहीं दूंगा कल दूंगा। सेठ जी घर पे वापस आए। जब सेठ जी घर पे वापस आ गए तो उसके बाद क्या हुआ, आकर के बैठे सेठ जी, आए और बैठे सेठ जी बैठे, तो फिर उसके बाद पूछा सारी बहुओं से कि आज तुम लोगों ने चूड़ी पहनी थी। तो बोली हाँ पहनी थी चूड़ी। कितने लोगों ने पहनी थी। बोले तीन ही लोगों ने।
अच्छा, सेठ जी कुछ नहीं बोले, तुरंत अपने कमरे में चले गए और जाकर के राधा रानी को जो भोग था वो अर्पण किया और प्रसाद पाया और सो गए। सोते ही सपने में क्या हुआ सेठ जी के, साक्षात भानुलली राधा रानी प्रकट हुई। राधा रानी ने कहा, सुना हूं सेठ। राधा रानी ने कहा, राधा रानी रोने लग गई जोर जोर से सपने में मिलते ही। सपने में प्रकट हो वृषभानु की दुलारी बोली, अरे तनया बनायो तात नात ना निभायो है। अरे बेटी तो बना लिया, नाता नहीं निभा पाए, क्या बात हो गई। चूड़ी पहर लीनी मैंने जानी पितहु के हकाले, पर आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। अरे अपने पिता का घर समझ करके मैंने चूड़ी पहन ली और आपने मनिहारिन का मोल नहीं चुकाया। ओह सेठ चक्कर में पड़ गया। अरे राधा रानी भी आप थी, भी आप थी। ओह सेठ रोने लग गया। राधा रानी अंतर ध्यान हो गई। सुबह क्या हुआ, उसको नींद नहीं आई सेठ जी को। रात को जैसे ही सुबह भोर हुई, तुरंत कपड़ा पहना, नहाया स्नान किया कपड़ा पहना, और कपड़े पहनते ही दौड़ा है मनिहारिन की गली के बाहर। और जैसे ही मनिहारिन की गली के बाहर दौड़ा है, देखा सामने मनिहारिन। मनिहारिन चक्कर में पड़ गई, भैया ये कौन, ये सुबह सुबह कैसे आ गए। जैसे ही सेठ जी ने देखा मनिहारिन को, चरणों में पड़ गया सेठ जी। सेठ चरणों में पड़ गया मनिहारिन। अरे मनिहारिन तू धन्य है, धन्य है। क्या हुआ, धन्य कैसे। धन धन भाग तेरो मनिहारिन, धन धन भाग तेरो मनिहारिन। अरे वाह मनिहारिन, तेरे बाग की कौन सराय, क्यों, क्योंकि चूड़ी पहर लई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहार, बाग को कौन सराय मनिहारिन, जिस हाथ को स्पर्श करने के लिए, जिस हाथ की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े संत कतारों में खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा नारद शुभ शनकादिक भृगु अंगिरा मेधादिति देवऋषि चवन समस्त ब्रह्म ऋषि राजऋषि वेद ऋषि कतारों में जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए खड़े रहते हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी जिनकी जिनकी दिव्य कृपा पाने के लिए श्री कृष्ण भी जिनके चरणों में रहते हैं। आज वो हाथ तूने स्पर्श करा और उस हाथ में चूड़ी पहनाई है, तेरा क्या सौभाग्य है। जैसे ही सुना राधा, जैसे ही मनिहारिन ने सुना, मनिहारिन रोने लगी। अच्छा वो राधा रानी थी। हाँ राधा रानी थी। तो उसको मजदूरी देने के लिए सेठ जी देने लगा। तो कहा मनिहारिन ने कहा कि अब मैं इस मजदूरी का क्या करूंगी। अरे जब मुहि मिलियो अमोल धन तो अब काहे को मोल, रे मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। अरे अब मजदूरी लेकर के क्या करूंगी, इतना अपरंपार धन मिल गया मुझे, राधा रानी का स्पर्श कर हाथ स्पर्श करने को मिला, उनको चूड़ी पहनाई, मेरे सौभाग्य की वास्तव में कौन कहे। ये सच्ची घटना है ब्रज की बरसाने की, सच्ची घटना है ये सच्ची, और इसी कलयुग की घटना है। इसीलिए भैया भक्ति करो, राधा रानी की भक्ति करो, राधा रानी का नाम लो। आज भी राधा रानी कृपा करती है तो साक्षात्कार प्रदान करती है अपना स्वयं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अभी ये भगवान का कीर्तन है, मैं नृत्य करेगा दो मिनट। आप लोग कोई खड़े नहीं होना, आप थोड़े से पीछे हो जाओ। आप लोग तो नाचे, हमने देखा भी बाबा नाचेंगे। हरे एक बार जयकारा हो जाए, फूल बरसाने वाली की मयूर भगवान की जय जय श्री राधे। Oh,
एक दिन श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई पकीरी मोर कुटी आई दस मयूरन कूदे खन उठ कंठा छाई पकीरी उठ कंठा छाई प्यार पिया मन पीतम प्यार मोरा बनिया Oh, my God.
Thank you.
माता जी जो पानी दे रहे हो बंद करो, वहीं पर चुपचाप बैठो। पानी अभी मत दिया करो माता जी, अभी पानी मत दो, जब कीर्तन होगा तभी पानी दिया करना। हरे कृष्ण, अभी पानी मत देना, कोई पानी नहीं देना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। अभी भगवान कृष्ण ने जब ब्रज में लीला कर रहे थे, इतने में श्री नारद जी आए, बोले प्रभु आप तो ब्रज लीला में डूब गए हो, आपको भूल गए, क्यों किस लिए आए यहाँ पर? एक दो आधा कोई राक्षस आ जाते हैं आप मार डालते हो, अभी आपको मथुरा जाना, कंस को उधार करना, चारों मुष्टि को उधार करना, अरे द्वारका में जाना, 16108 पटरानियों से शादी करना। प्रभु जी आपको अभी बहुत सारे आपको लीलाएं करनी है, अगर आपका आदेश हो मैं प्लाट पर भी बना दूं। बोले बना दो। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते मथुरा में आए। हरे कृष्णा, आप जितने सामने बैठने वाले सारी गड़बड़ी तुम ही कर दो, एकदम चुपचाप मुंह तो इधर घूम कर बैठो, सारा दुनिया उधर देख रहे हो, मेरे तरफ में देखो, घूम कर बैठो तुम दोनों सखी। हरे कृष्णा। इतने में नारद जी मथुरा में आए और कंस को उन्होंने भड़काया, बोले जानते हो कृष्ण बलराम कौन? बोले कौन? बोले आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, बताया था ना अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। बोले हाँ। बोले ये कभी देवता का वाणी झूठी होती? बोले फिर कैसे? बोले वसुदेव महाराज तो बोले, क्या बोले? 8x8 बच्चे देंगे, तू नाक में स्वर्ग स्थल देख ले सोता रहा और राता रात कृष्ण को गोकुल में पहुंचा दिया। ये जो कृष्ण है ना, ये देवकी की बेटा है, वसुदेव का बेटा, ये दाऊ भी वसुदेव का बेटा, ये सब कैसा भगवान की, ये सब उनकी बेटा है। कंस को तो बड़ा क्रोध आया, बोले मेरे साथ में बेईमानी की, अभी मैं मारता हूँ, मैं यहाँ से तलवार निकाल करके दौड़ पड़ा। इतने बोले यार जोश से होश को मत भया करो, जैसे तुमने एक एक दैत्य को मथुरा भेजा वृंदावन में वो मारते रहे, तेरे पास में अभी भी किसी चीज की कमी नहीं, तुम 8x8 भाई अभी हो हैं। अभी कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ की बहाना से बुलाओ और यहीं पर मिल करके सबके समुद्र चढ़ना शुरू कर दो। बस उन्होंने कृष्ण बलराम को उन्होंने मथुरा में बुलाया। जब कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश किया, सारे मथुरा में बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जयकार हो रही थी। इतने में सखा ने बोला कन्हैया तेरे को सब जानते हैं ना क्या? बोले तुमको पता नहीं, कल से हमारे खास मामा लगते हैं, तब तो स्वर्ग का रथ भेज करके मेरे को बुलाया। बोले तू पहले क्यों नहीं बोला? बोले क्यों? बोले देख मथुरा कितना सुंदर है, हमारे कपड़े को देखो कितने महिला कपड़ा। बोले क्या चाहते हो? बोले थोड़ा चमकीले चमकीले कपड़े हो जाए। बोले आगे चलो। जब आगे गए, इतने में कंस के लिए बड़े सुंदर सुंदर नए नए कपड़ा धोबी ले जा रहे थे। कृष्ण ने कहा भैया मेरे सखाओं को भी थोड़ा कपड़ा पहनाओगे? उन्होंने कहीं से देखने लग गए। बोले ओ जानते हो कहाँ गैया को पीछे पीछे वृंदावन में घूमते रहते हो,
यहाँ कंस महाराज का ये ड्रेस है और उनकी कपड़ा पहनने का शौक है। बोले ज्यादा बोलोगे ना, कंस जो काम के लिए किया वो काम कर दूंगा। कृष्ण ने देखा भैया ज्यादा ही बोलता है, मारे एक थप्पड़। देखा ये धोबी कौन है जो त्रेतया युग में माता सीता के ऊपर जो उंगल उठाया था, कृष्ण मारे एक थप्पड़ तो एकदम सर से सर अलग हो गया शरीर से। बोले भैया हाथ में कोई क्या अस्त्र पीट करके रखा? बोले भैया वही पुतना अघासुर को मारने वाले, फेंको और यहाँ से भागो। जब गठली फेंक करके चले गए, बोले सखाओ अपना मन मर्जी कपड़ा उठा लो। कहाँ कंस के लिए कपड़े और कृष्ण का सखा तो छोटे छोटे। जब पहन करके चलने लगे रोड साफ होने लग गया। बोले कन्हैया अच्छो नहीं लगता है। वहां पर एक टेलर था, उन्होंने बड़ी सुंदर इनकी साइज की उन्होंने कपड़ा बना दिए। कृष्ण उनका आशीर्वाद दिए, खूब फलते फूलते रहो। बोले कन्हैया और एक चीज चाहिए। बोले क्या? बोले फूलों की माला। सुदामा माली को पास में गए, माली ने बड़े सुंदर ठाकुर जी को माला पहनाया, ठाकुर भी उनका आशीर्वाद दिया। बोले कन्हैया एक चीज की कसर रह गई। बोले किसी चीज की? बोले सुंदर खराब तिलक हो जाए। देखो ध्यान देकर देखो, यहाँ पर कृष्ण और सखा लोग कह रहे हैं सब तो कपड़ा भी सही हो गया, माला भी ठीक सब कुछ, लेकिन एक चीज की कसर है। किस चीज की? बोले तिलक। जब तक तिलक नहीं हो ना तब तक हम शोभा नहीं देखते हैं। इसलिए आप भगवान कृष्ण को देखना, ठाकुर भी तिलक लगा। भगवान राम को देखो उनको तिलक देखना, हनुमान जी को देखो तिलक होगा, गणेश जी को देखो तिलक होगा, अगर नारायण को देखोगे ना उनको आधा सर तक तिलक में लगा हुआ होगा। ये तिलक की बड़े महत्व हैं। इसलिए आप लोग तो हिंदू है, देखना जब घर में कोई पुजारी पूजा कराने के लिए आता है जब तक आपको तिलक नहीं लगाएगा ना पूजा नहीं करेगा वो, क्योंकि तिलक के बगैर पूजा निष्फल है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे बिजनेस में जा रहा है बढ़िया काम के लिए, हम तिलक लगा कर भेजते हैं बेटा जा करके जय जयकार हो जाए। इसलिए हम लोगों को तिलक लगानी चाहिए। हैं कैसे तिलक लगाने चाहिए? छोटा नहीं, देखो हम लोगों ने कैसे तिलक लगाया। आप बांके बिहारी को देखना, राम हनुमान तिलक छोटा नहीं, इसको कहते ऊर्ध्व पुंड्रम, मतलब जो हमें भगवान तक ले जाए। देखो ये शास्त्र में बताया ये ब्रह्मा है, ये जो बीच में भगवान विष्णु है और इधर महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये दो है। देखो ये ठाकुर का दो चरण है, उसका नीचे का भाग देखो जैसे ठाकुर जी के चरण में तुलसी दल देते हैं, इसका सेव देखो तुलसी पता जैसा। ये भगवान की मंदिर है। शास्त्र में बताया जो ये तिलक को केवल दर्शन कर लेगा उसको बांके बिहारी दर्शन करने का फल मिल जाएगा। शास्त्र में इतने इसकी महत्व तिलक की, ठाकुर भी स्वयं तिलक लगाते हैं। देखो ये तिलक कहाँ से आया इसको सुन लो, जैसे तुम्हारी भी थोड़ा प्रीति हो जाए। एक दिन नारद जी ठाकुर जी से पूछे, ठाकुर जी तेरे सबसे प्यारे भगत कौन है? ठाकुर जी बोले समय आएगा तो मैं बता दूंगा। एक दिन कृष्ण जान बुझ करके सर दर्द तो बुखार की लीला की, वैद्य बुलाए लेकिन कोई मेडिसिन काम नहीं किया। नारद जी बोले ठाकुर तेरे दर्द बुखार है, तेरे नाम लेने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं और तुमको बुखार है, ये कैसे लीला है तुम्हारी? बोले कैसे सही होगा बताओ? बोले एक उपाय है, अगर मेरे कोई भक्त मेरे को चरण धूलि दे दे उसमें मेरे को स्नान कराया जाए तो बुखार सही होगा। बोले नारद दुनिया कहते तू मेरे परम भक्त हो, चरण धूलि दे दे। बोले राम 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 राम, प्रभु क्या तेरे को चरण धूलि दे के नरक जाऊंगा? बोले फिर यहाँ से किसी भक्त से मांग करके लाओ। कोई भी चरण धूलि देने तैयार नहीं हुआ, सारा दुनिया घूम घाम करके आगे। बोले मिला कि नहीं? बोले प्रभु सब मेरे को गाली बगी, सब जगह में गए। बोले हाँ। बोले वृंदावन गया था? बोले केवल मेरे वृंदावन ही नहीं गया, बोले मेरे जो असली भगत है ना वो ब्रज में वृंदावन में, एक बार जा करके देखो। जब नारद जी ब्रज में आए जितने ही आके गोपियां ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले कहाँ से आए हो? बोले आया मैं द्वारका में, द्वारका से। बोले हमारे लाला कान्हा कैसे है? बोले उनका सर दर्द बुखार है। बोले कोई दवा नहीं दिया? बोले दवा तो लेने के लिए आया हूँ। बोले क्या है? बोले ठाकुर जी बोले अगर मेरे को कोई भक्त चरण धूलि दे दे उसमें मेरे को स्नान कराया जाए मेरे बुखार सही होगा। बोले कोई बोरी लाया कि नहीं? जितने ब्रजवासी थे ना चरण को रगड़ रगड़ करके उन्होंने धूल को निकाली और उन्होंने गठली बांध करके नारद जी को सर पर रख दिया। बोले जा भगवान को स्नान करा देना। बोले क्या बाबरी बन गई?
तुमको पता नहीं कृष्ण भगवान और उनका चरण धूल देख करके नरक जाओगे। देखो गोपियां क्या कहती हैं, अरे नारद जी अगर कृष्ण सुख के लिए एक जन्म नहीं अगर करोड़ों जन्म भी हमें नरक जाना पड़े हम वो नरक जाने के लिए तैयारी, लेकिन कृष्ण का हम दुख नहीं देख सकते। पर वही चरण धूल आता है कहां से, वृंदावन से नारद जी सर पर लेकर के द्वारका गए। आप लोग कोई द्वारका गए हो, कोई कौन गए हाथ उठाओ तो, एक दो कोई गए, कौन जाना चाहते बताओ। आप सबको एक बार हम सब जगह पर ले जाएंगे घुमाएंगे। इसलिए देखना वहां पर एक गोपी तालाब है जहां पर भगवान कृष्ण को स्नान कराया गया। ये जो तिलक देख रहे हो ना वो वहीं से आता है। ये ऐसे मिट्टी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, केवल ये द्वारका में ही ये मिट्टी मिलता है, वहीं से ये तिलक आता है। और जो तिलक है देखो ध्यान देकर के, ये तिलक की बड़ी महिमा। जब कृष्ण ने पुतना को वध की, मैया जसोदा कृष्ण को ये तिलक लगाई। ये जो तिलक हम ललाट में लगाए हैं जानते हो, ये तिलक का नाम लड़ा केशवाय नमः, हम 12 जगह पर तिलक लगाते हैं। पेट में लगाते हैं इसका नाम नारायणाय नमः, बक्ष में माधवाय नमः, कंठे गोविंदाय नमः, दक्षिण पार से विष्णुवाय नमः, मधुसूदन त्रिविक्रम बामन ऋषिकेश माधव, ऐसे करके हम 12 जगह पर तिलक लगाते हैं। ये ठाकुर का 12 तो नाम है। ठाकुर जी ये तिलक रूप में ठाकुर जी हमारी शरीर में विद्यमान है। देखो ये तिलक की इतने महिमा, इधर सुना, ये तिलक की इतने महिमा, अगर कहीं ये तिलक लगा कर जाओगे कभी तुम्हारे एक्सीडेंट नहीं हो। जैसे कहते ना उसके ऊपर ये हवा, इसके ऊपर ये हवा, ये भूत प्रेत का सवार, अगर तिलक लगा लो और इसको स्थापन कर दो ललाट के सवार उधर नारायण, जितने बड़े प्रेतात्मा क्यों नहीं हो शरीर से उसी समय निकल जाएगी तुम्हारे शरीर से, क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारी शरीर में बैठ गए। देखो आप कुछ सच्ची घटना सुनाता हूँ। मैं रसिया जाता हूँ प्रचार करने के लिए, इनकी देश में मैं गया था, वहां पर एक स्थान है, वहां पर है पैर में एक स्थान है, वहां गया था तो एक माता जी बोली, बोली बाबा मेरे गर्भ धारण नहीं हो रहा है, अगर हो तो बच्चा मर जाता है और मेरे को प्रेतात्मा दिखती है, मेरे को साक्षात रूप में भूत मेरे को दिखती है, रात में मेरे को नींद नहीं आती, पेट में बच्चा नहीं रहता है। फिर मैंने बोला ये 12 जगह पर तिलक लगाओ और ये तिलक को स्थापन करो, और उनको मैंने बता दिया कैसे तिलक लगाना कैसे स्थापन करना। मैंने एक साल में दिखा करके आया, लेकिन जब दूसरे साल गया ना उसका एक बेटा था, एक बेटा हुआ, मैंने उसका नाम रखा राधाकांत, राधाकांत उसका नाम रख करके आया। तिलक की इतने महिमा, लेकिन शर्म की बात है, हम शराब पीने के लिए हमें शर्म नहीं लगता, झूठ बोलने के लिए शर्म नहीं लगता, दारू पीने के लिए शर्म नहीं लगता, तिलक लगाने के लिए हमें शर्म लगता है। देखो ये कहाँ से आए, देखो कुछ लोग कहाँ से आए, ये विदेश से आए, देखो तिलक है कि नहीं, देखो देख रहे तिलक गले में कंठी देख रहे हो, ये हमारे हिंदुओं का यही चिन्ह है। हम हिंदू हम मुसलमान नहीं है, हिंदुओं के अंदर में गले में कंठी तिलक माला चोटी जने हुए हिंदुओं का धर्म है। ये लोगों कहाँ लूट लूट करके हमारी संस्कृति ले रहे हैं, हम इनकी संस्कृति जीन्स पहने, हम सब जीन्स पहन कर घूमेंगे हम सब, और ये लोग हमारी संस्कृति देखो कैसे कपड़ा पहन करके आए थे, हमारे भारतीय का हमारे भारत को ये फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं अगर शांति हो तो ये भारत का जो फिलोसफी भारत का जो रीति रिवाज वही शांति है, हैं? इसलिए आप लोग कोशिश करना गले में तुलसी कंठी पहनो। पहले मैं बताया था ना जो तुलसी जो कंठी है ये कोई लकड़ी नहीं है, ये तुलसी है, आप तो हिंदू है, देखना सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती है, देखे कि नहीं, तुलसी कौन है, लक्ष्मी है, गले में अगर तुलसी की कंठी है तो माँ लक्ष्मी बैठ गई। हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी, बोले वृंदावन में क्यों बांके बिहारी, वृंदावन वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहाँ तुलसी का वन वहीं पर ही ठाकुर जी है। इसलिए तुलसी में भगवान जब ये दुनिया छोड़ करके गए अपनी आप ये तुलसी वृक्ष में ही स्वरूप रख कर गए। कंठी मतलब हो गया गले में तुलसी कंठी मतलब लक्ष्मी नारायण की निवास तुम्हारी कंठे में हो गया। आप देखना ठाकुर जी को जो कुछ भोग लगाओ, कहते ना छापन भोग छत्रिस व्यंजन बिना तुलसी प्रभु ये तो नहीं मानी। भले ही भगवान को जितने भोग लगा दो
जब तक उसमें तुलसी दल नहीं देते वो ठाकुर स्वीकार नहीं करते हैं। तो उसी तरह जब हम गले में तुलसी की कंठी पहन लेते हैं, ये शरीर ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो गया। आज तुम नहीं रह गई, आज से तुम भगवान की पटरानी बन गई कन्या की, तुम सखी बन गए जब गले में तुलसी कंठी तुमने डाल लिए हो। अगर जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं, वो बच्चा बता रहा था ना, हमारे नियम है जिसको गले में तुलसी कंठी नहीं होगा मंदिर में, उसको हाथ का पानी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। जिसके गले में तुलसी कंठी नहीं होगा उसको हम परिवेषण करने के लिए, भोजन के लिए परिवेषण करने नहीं देते। तुम्हारे गले में कंठी नहीं है, तुम अपवित्र हो, क्योंकि जो शरीर है, गोस्वामी जी कहते हैं खिति जला पाप गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, ये शरीर को अधम बताया, मिट्टी वायु आकाश जल से बना हुआ, अंदर में क्या टाटी पैसा का सिवाय कुछ है। सवेरे देखो मुंह से बदबू, नाक से बदबू, आंखों से बदबू, नीचे से तो बदबू बदबू निकलती है। आप ब्यूटी पार्लर में जाओ, सजाओ, 10 मिनट धूप में निकल जाओ, सारा शरीर से बदबू बदबू निकलेगा शरीर से, और कुछ नहीं शरीर में। लेकिन ये तुलसी की इतने महिमा है, जब गले में हम तुलसी कंठी धारण कर ली, ये शरीर ठाकुर जी को समर्पित हो गया, भगवान इसको ग्रहण कर लिया। और जो तुलसी पहले सुन रहे थे ना, अभी जो करुणा आई थी उसमें क्या बता रहे थे, रामदेव बाबा ने मेडिसिन निकला ना, ये तुलसी पत्ते से, तुलसी जूस से मेडिसिन बनाया, जिसको खाने से करुणा नहीं होगा। अब रोज रोज दो दो तीन तीन तुलसी पत्ता खाओ, कभी जिंदगी में तुम्हारा हार्ट प्रेशर नहीं होगा, तुमको हाई प्रेशर नहीं होगा, कभी कैंसर नहीं होगा तुम्हारे शरीर में। रामदेव बाबा का दुकान में देखना, पातंजलि में वो तुलसी जूस बिकती है, जिनको पेट साफ नहीं होता कोई बीमारी, तुलसी के जूस लो, तुम्हारी सारी बीमारी सही हो जाएगी हैं। इसलिए एक मेडिसिन जिसका नाम तुलसी पावा, आप दुकान में ढूंढना, इतना बड़ा पेपर होगा पढ़ना, 200 बीमारी की प्रतिषेधक मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। ऐसे कोई बीमारी नहीं जो तुलसी वृक्ष से सही नहीं होता है। इसलिए गले में जो तुलसी कंठी धारण करते हैं, जैसे स्नान किया कंठ में स्पर्श करते हुए जब शरीर में जाएगा, बहुत सारी बीमारी को निकाल देती है, हैं बहुत सारी। और पुराण में बताया जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी पहन करके स्नान करते हैं, पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ में तुम्हारी स्नान हो जाएगा, जितने सारे तीर्थ में। और जम महाराज जमदूतों को कहते हैं, जो भगवान की भजन नहीं करते हैं उनको पकड़ नरक में लाना। बोले पता कैसे चलेगा, बोले गले में देखना तुलसी कंठी होगा, गले में तुलसी की कंठी, तिलक लगाए हुए होंगे। कल हमें बताया था ना, कहते दो तरह के कुत्ते हैं, कितने तरह के, अरे जोर से बोलो, कहते एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। बोले पालतू कुत्ता कैसे पता चलता है, ये पालतू कुत्ता गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, गले में पट्टा रहता है, देखने से पता चलता है किसी घर की कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते बिना पट्टे पट्टे के जो रोड में घूमते हैं, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं। अगर हमारी गले में तुलसी कंठी हो तो हम क्या हो गए, हम बांके बिहारी की पालतू हो गए। किसकी पालतू हो गए, जोर से बोलो, अगर गले में कंठी नहीं फिर हम क्या बन गए, अरे जोर से बोलो, बताओ पालतू बनोगे ना फालतू बनोगे, पालतू बनेगा ना फालतू बनोगे, पालतू बनेगा ना। अगर पालतू बनना चाहते हो गले में जरूर तुलसी की कंठी पहनो। देखो हम तो भारत गए, हम भक्ति को विश्वास करते, लेकिन जो अंग्रेजी घड़ी है ना, ये ऐसे विश्वास नहीं करती है, ये इनको बोल दो, ये अंग्रेजियों को ऐसे विश्वास नहीं कर रहे। जब तक कोई चीज को साइंटिफिकल रूप में प्रूफ नहीं देखते हैं, साइंस रूप में किसी चीज को प्रूफ नहीं करते ना, ये मानने वाले नहीं है सब के सब। लेकिन ये ऐसे गले में कंठी, देख उनके तरफ में देख लो कैसे कंठी पहने, कैसे गले में तुलसी कंठी पहने। लेकिन हम सोने की हार पहनेंगे, सोने की हार, मरने से पहले सब उतार कर ले जाएंगे, लेकिन ये तुलसी कंठी को ही नहीं उतारेगा। ये तुलसी कंठी अगर तुम्हारे रहेगा ना, शास्त्र गारंटी देता है तुम सीधा ठाकुर जी के पास में जाओगे, सीधा ठाकुर जी के पास में जाओगे, शास्त्र कहता है। इसलिए संत लोग एक उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे अगर आप विदेश जाना चाहते हो
आपके पास में तीन चीज होनी चाहिए तो विदेश जा सकते हो। आप बता सकते हो तीन चीज क्या क्या है? कौन बोलेगा जोर से बोलो, पर तुम लोग बोलो, एक बोल रहे तुम लोग बोलो। अगर कोई विदेश जाना चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास में तीन चीज हो तभी विदेश जा सकते हो। तीन चीज में पहला चीज क्या बताओ? पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरे नंबर में वीजा, तीसरा नंबर में टिकट। देखो यहाँ से फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी कहीं भी जाओगे दो चार घंटे का रास्ता है प्लेन में जाओगे तो। लेकिन साधारण एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना चाहते हो तीन चीज चाहिए, और तुम ठाकुर के पास में जाना चाहते हो फिर कुछ नहीं चाहिए। बोले पासपोर्ट क्या है? बोले गले में तुलसी की तट्टी है। कहते वीजा क्या है? बोले ये तिलक है। बोले टिकट क्या है? बोले भगवान का नाम है, ठाकुर जी की नाम, यही टिकट है। अब देख लेना हमारे भारत में जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, आप सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? जोर से बोलो, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते हैं ना। बोले बेटा जीवन में जितने राम और कृष्ण का नाम लिए हो तेरे साथ में वही तो जा रहे हैं, इसके सिवाय तुमने जो कुछ संसार में किए हो सब यही छोड़ करके जा रहे हो, एक सुई धागा भी यहाँ से तेरे साथ नहीं जा रहा है, सुई धागा भी तेरे साथ। पहले चार बहू की कथा सुन रहे थे ना, पहला बहू कौन थी जिसको राजा सबसे ज्यादा प्यार करता था? वो था शरीर। लेकिन शरीर का जब अंतिम समय में पूछा, शरीर जवाब दे दिया, बोले तेरे साथ में कदम भी नहीं चलूंगा। दूसरे पत्नी कौन थी? जोर से बोलो, सबसे सुंदर थी पैसा, कितना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, कितने कष्ट से पैसा कमाते हैं। जब पैसा से पूछा साथ में चलोगी, बोले तेरे साथ चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ कि तू मरते ही दूसरे से शादी करूंगी। मतलब कि आज हमारे पास में पैसा है, शरीर छूटते ही बच्चों का नजर कहाँ पर रहता है? पिताजी कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, कितने ATM, बैंक में कहाँ पर पैसा, बच्चों का वही नजर रहता है। शरीर छूटते ही पैसा दूसरों के साथ में शादी कर ले, दूसरों के पास में जाएगा वही भोग करेगा। तीसरी पत्नी कौन थी जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था? कहती है पत्नी और परिवार, पत्नी से पूछे साथ में चलोगी? बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे? बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो बढ़ सकती हूँ लेकिन तेरे साथ में नहीं चलूंगी। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए बढ़िया आरती सजाएंगे, राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान तक, वहीं पर जला करके टाटा करते करते वहीं से वापस चले जाएंगे। लेकिन जब चौथी नंबर जो पत्नी थी, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट कर रखा था, बेकार किसी काम की नहीं, लेकिन जब अंतिम समय में चौथी रानी को पूछा, उसने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया उसने? बोले तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुख में सुखी और दुख में दुखी रहूंगी, बिना खाना पीना खिलाए तेरे को मैं खिलाऊंगी। राजा तो आश्चर्य में पड़ गया, जिनके लिए जिंदगी दे दिया कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं, जिनके लिए कुछ नहीं किया वही जाने के लिए तैयार है। ये तो चौधरी रानी कौन थी जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखे? ये तो भगवान का भजन है, भगवान का नाम है। अगर किसको बोले पर भगवान का नाम जप करो, बोले समय कहाँ है? समय कहाँ है हमारे पास में? अरे जिसका काम धाम नहीं वही सो माला में बैठ कर हरे कृष्ण हरे राम करते हैं। हमारा टीवी देखना है, स्मार्टफोन देखना है, गप्पे मारनी है, घूमना है, कितने सारे काम है हमारी, लेकिन अंतिम समय में ये तुम्हारी कोई भी काम में आने वाले नहीं। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को दी मरे सदगुरु कृपा करे अपना यो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले तो चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सब आयो, पायो जी मैंने बस यही धन एक काम में आएगा। मीरा कहती है जिन जिन ने ये धन लुटे उसको माला माल होगी, और माया के जो बने पुजारी आखिरी हो कांगाल होगी। जिन लोगों ने ये प्रभु का नाम धन को लूटे, हनुमान जी को देखो दिन भर क्या करता है, रघुपति राघव राजा राम पतित पाप न सीताराम, यही तो करता है ना।
शंकर जी को देखो, शंकर जी दिन भर क्या करते हैं, कहते महामंत्र जेई जपत महिषा, ये गोस्वामी जी कहते हैं। कहते पंचमुख राम नाम गाम त्रिपुरारी, शंकर जी पंचमुख में हर समय प्रभु का नाम जप करते हैं। माता देवी को देखो, आठ हाथ देखना, एक हाथ में देखो कि माँ देवी की माला है। एक दिन माता देवी शंकर जी से प्रश्न की, बोले प्रभु किसकी नाम करनी चाहिए, शंकर स्वयं कहते हैं, बोले राम रामेति रमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्य श्री राम नाम वरम। ये शंकर स्वयं कहते हैं, बोले पार्वती राम नाम बड़ा मीठा नाम है, 1000 विष्णु नाम लेने से जो फल, एक बार राम नाम लेने से कोई फल। तब से माता पार्वती एक हाथ में माला है। अब ब्रह्मा जी को देखना, चार ही हाथ देखोगे, एक हाथ में माला है। सरस्वती को देखना, चार ही हाथ है, एक हाथ में माला है। गणेश जी दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं, सारे दिन प्रभु का नाम जप करते हैं। इसलिए एक मीरा की भजन है, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, मजबूत है ना, वही कर सकता है। नहीं तो देखना जगत में जुआ खेलने के लिए शर्म नहीं आता है, शराब पीने के लिए शर्म नहीं आता है, मांस खाने के लिए शर्म नहीं आता। बोले भजन करो, बोले सब बोलेगे तो ये तो भक्ता नहीं बन गई, ये तो भक्ता नहीं बन गई है, ये तो भक्त बन गया अगर गले में तुलसी कट्टी माला पहनो ना, अरे इसकी चक्कर में पड़ गई हो। लेकिन शराब पीने पर कोई चक्कर नहीं, जुआ खेलने पर कोई चक्कर नहीं। मीरा का नाम सुनी हो, कौन कौन मीरा का नाम जानती हो? जब देखना, जब उसने भजन किया, सुई किया, उसका पति, उसका जेठ, उसका देवर, उसका ननद, उसकी सास, यहाँ तक भी एक कुत्ते तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ा, सब इसका विरोध हो गई, लेकिन मीरा ने भजन छोड़ी, छोड़ी भजन। अभी दुनिया में किसकी नाम हो रही है, बोलो? मीरा का नाम हो रही है। क्यों? बोले राम कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, माला जपी थी मीराबाई ने, अब मिल गया मुरली वाला, जपेगा कोई जिसका दिल मजबूत है ना, वही कर सकता, जिसका कमजोर है ना वो नहीं कर सकता है, वो शर्म लगेगा ना। भगवान का नाम कैसे करे, कंठी में गला कैसे माला पहन ले, तिलक कैसे लगा ले, दुनिया क्या बोलेंगे हमें, हाँ भक्ता नहीं बन गए। अरे भक्त नहीं बन गए क्या चोर बनोगे? भक्त तो बनोगे, भक्त ही तो बनोगे, थोड़ी चोर बनोगे। इसलिए क्या करना है, हरिनाम करना है, इसी से ही हमारी कल्याण होने वाले, और किसी से हमारी कल्याण नहीं होगी। इसलिए जो भागवत का जो सार है, अब देखो जब ये भागवत प्रारंभ हुआ, इसका पहला श्लोक देखो, बोले एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम् अकुत भयम्
जोगी नाम निप निर्णित हरि नामान कीर्तन की भागवत का पहला श्लोक है। जब उनको पूछा कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है, बोले हरि का नाम है। और जब भागवत समाप्त हुआ, देखो अंतिम श्लोक है, अब मेरे साथ में बोलो ये श्लोकों को, क्योंकि ये श्लोक बोलने पर पूरी भागवत कथा सुनने का फल मिल जाती है। आप लोग मेरे पीछे बोलो, बोले नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम। ये श्लोक में कहते हैं भगवान की नाम कीर्तन से जीवन का सब दुख दूर हो जाएगा। पहले मैंने बताया ना, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे मतलब क्या है, जो हमारे दुख कष्ट को हर ले, जो हमारे दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए हरे। कृष्ण मतलब क्या, मन हमारा बड़ा चंचल है, इधर उधर चीज से मन भटकता है, इधर उधर मन हमारी भटकती है। अगर कृष्ण नाम करोगे तो क्री मतलब होता है आकर्षण करना, क्री जो बोलेगा उसका मन इधर उधर भटकेगा नहीं, मन उसको शांत हो जाएगी। स्ना मतलब जो जीवन में आनंद प्रदान करेगा। बोले राम मतलब क्या, बोले जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में आराम दे। अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करोगे क्या होगा, दुख दूर जाएगा, चंचल मन भटकेगा नहीं, और जीवन में हमें शांति सुख मिलेगा। ये भगवान के नाम को करा। और जिन बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही, देखना उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप बच्चों को बोलो एक माला तू कर, जब स्कूल जाओ एक माला जप करके स्कूल के जाओ, आप देख लेना जो बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रही ना, जो मन नहीं लगता है, देखना उसी दिन उसको पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। आप स्वयं देख लेना, क्योंकि उसमें जो क्री शब्द है, क्री मतलब होता है आकर्षण करना, अपना तरफ में खींचना। पढ़ाई में क्यों मन नहीं लग रहा है, चूंकि मन चंचल है, लेकिन कृष्ण बोलने पर मन चंचल तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान के नाम से अन बहु लाभ है। इसलिए क्या करना, भगवान की घर में नहा धो करके सवेरे ठाकुर जी को सामने बैठ करके कम से कम कुछ माला जप करना। कुछ कुछ माताएं तो माला लेकर गई है, हैं? माला लेकर गई है, जो माला लेकर गई जरूर जप करना। माला को इसलिए लेकर गई, ऐसे नहीं लटका करके रख लो, नियम बना देना जब तक दो माला नहीं करेंगे तब तक भजन हम नहीं करेंगे। पहले भजन उसके बाद में भजन, जब जो साथ में चलेगा वही तो करनी चाहिए ना, ठीक है। फिर दिन में जब जब तुमको फुर्सत मिलेगा इधर उधर बात में जीवन को नहीं गवा करके फुर्सत मिले तो भगवान की नाम जप करो, जिसको द्वारा शांति मिलेगी और यही धन ही अंतिम समय में हमारी काम में आने वाली, ठीक है ना। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की। देखो हम लोग ने कितना दिन तक कथा सुने, कितना दिन तक कथा सुने, 7 दिन तक कथा सुने। नियम है ये कथा से कुछ लो और कथा में कुछ दो, बोले ले किया और दे किया, बोले जितने गंदी चीज को दे करके चले जाओ भागवत में, बोले ले किया, बोले भागवत से अच्छी अच्छी चीज को शिक्षा मूलक भक्ति लेकर के जाओ, बोले गंदी चीज चार ही, ये चार चीज को हमें त्याग देनी चाहिए। पहला नंबर जुआ मत खेला करना, अधर्म का पहला स्थान जुआ है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो ये जुआ खेल करके मेरे कितने सत्यानाश हो गई, राज्य गया, भाई गए, फिर पत्नी को भरी सभा में विभत्स देखना पड़ा और 13 साल तक जंगल में भटकना पड़ा। अगर जीवन में कोई जुआ खेलेगा तो इतनी उसको दुर्गति हो सकती है, इसलिए कभी जुआ खेलनी नहीं चाहिए। जुआ खेलने से धर्म का पहला चरण सत्य है, वो कभी सच नहीं बोल सकते। दूसरा है पानम, पानम मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु को मत लो,
जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटखा, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। इसलिए पहले मैंने आपको बताया था कि शराब भी लोगों को मत पिलाया करो, शराब भी पिलाया मत करनी चाहिए हैं? क्योंकि शराब पीने से भागवत का पंचम स्कंध में बताया, जो शराब पीते हैं अगली जीवन में लोहे को गला करके उसको मुंह में नर में डालते हैं। बोले तो भगवान तुमको भगवान का नाम जप करने दिया था, ये मुंह तेरे को शराब पीने के लिए नहीं दिया था। क्योंकि 84 लाख योनि में एक ही जीवा मिला जिससे हम भगवान के नाम जप कर सकते हैं, और किसी जीवन में प्रभु का नाम नहीं जप कर सकते, हमें मुक्ति नहीं मिलती है, हैं? और पहले मैंने बताया था ना, जो शराब पीते हैं उनको 3 लाभ है। कितना लाभ है, जोर से बोलो, क्या क्या बोलो तो। मैं क्या बताया था किसको याद है, कहते वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा कब बनेगा, बोले जिंदा रहे तब तो बूढ़ा बनेगा, वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। मैंने पहले बता रहे थे ना, मेरे साथ पास में कोई गुजरी, वो आई थी माला लेने के लिए, देखा छोटे छोटे बच्चे तो, मैंने कहा इसका पिताजी कहाँ गए, बोले मर गया। बोले कैसे, बोले पीते थे। मैंने उसको बहुत समझाया मत पिया करो मत पिया करो, माने ही नहीं। और जब पकड़ा गया ना, सारे लीवर वीवर खत्म हो गया था, बचने का कोई सवाल नहीं था। इसलिए आप लोग भी अपना पतियों को, बच्चों को इस सब चीज से दूर रहने के लिए बोलना, ठीक है ना। और दूसरा लाभ, घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी होगा कब, घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी ना, वो तो बेच बाज कर पी पा कर सब खत्म कर देगा, चोरी कहाँ से होगी। तीसरा लाभ है कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा कर पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर के मुंह में पेशाब कर जाए। इसलिए ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। और जो और एक जो चाय है, ये चाय भी कोशिश करना धीरे धीरे चाय को भी छोड़ने के लिए। आप बोले भैया चाय तो छोड़ना बड़ा कठिन है, बोले चाय का परिवर्तन में एक एक गोकुल टी है, हैं? एक प्रज्ञा है, हाँ हर्बल टी, ये चीज मिलती है जो हेल्थ के लिए अच्छे है। आप बोले भैया चाय क्यों नहीं पिए, चाय में क्या दोष है, चाय की पत्ते में कोई दोष नहीं, उसमें एक निकोटिन डालते, कफिन डालते। देखना जो व्यक्ति शराब पीते हैं, शराब पीने का समय आए, अगर वो शराब नहीं पिए, देखना बेचैनी से होने लग जाती, सर दर्द होता है लेकिन नहीं, शराब का बेचैनी से आने लग जाती है। जो व्यक्ति चाय पीते हो, चाय का समय पर आप चाय मत पियो, देखो कैसे लगेगा, बोलो क्या होता है, आप ही बोलो, सर दर्द होने लग जाता है। क्यों, उसमें निकोटिन डाला हुआ है, कफिन डाला हुआ है। देखो ये चाय कैसे हमारी दुनिया में आई है, ये भारत में कैसे चाय आई, यदि ये अंग्रेजी लोगों ने अपना बिजनेस को बनाने के लिए, ध्यान देकर सुनो, बिजनेस बनाने के लिए आप पुराने पुराने लोगों को पूछ लो, ये लोग पहले स्वयं चाय बनाते थे चौराया में, और कहा करते थे 50 साल से ज्यादा उम्र वाले चाय पीना, खुद बोलते थे। अब बोलते थे जो एक कप चाय पीगा उसको 1 रुपया मिलेगा। हम लोग ऐसे है ना, कोई जहर भी दे बिना पैसा में पी लेते, और उसी समय 1 रुपया का कीमत था। बोले भैया 1 रुपया चाय दो दो, कुछ दिन बाद में 50 पैसा कर दिए, फिर कुछ दिन बाद में बोले कोई पैसा नहीं मिलेगा, जब नशा चढ़ गया, फिर बोले 50 पैसा लाओ, फिर बोले 1 रुपया लाओ, फिर बोले 2 रुपया लाओ, फिर बोले 5 रुपया लाओ, अभी कितना पैसा है 10 रुपया। इतनी सी चाय दे करके अंग्रेजियों ने हमें ठग करके अपना बिजनेस चला दिया, और हिंदू होकर के हम लोग उनका बिजनेस को चला रहे। पहले कोई हमारे देश में चाय नहीं पीते थे। मैंने पूछा बॉम्बे में तो कहते एक कप चाय को 25 रुपया लेते हैं, अब 10 रुपया में देखो एक गिलास पूरा दूध मिलेगा, छाछ मिलेगा। अरे जिसको पियो ना, पी करके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब रामदेव का योगा देखो, कभी देखे हो कभी, एकदम चाय पीने के लिए मना करता है, बोले गैस्ट्रिक बनता है शरीर, बीमारी पड़ता है। खाली पेट में हमें क्या पीनी चाहिए, मठा पियो ना, पानी पियो, दूध पियो, नहीं पी करके इतने चाय दे करके बिजनेस, विदेश का बिजनेस क्यों चलाओगे, देखो क्यों बनाओगे, ठीक है ना। क्या करना है, धीरे धीरे अपना आदत को बदलाओ। प्रज्ञा जो हर्बल टी पियो जो हेल्थ के लिए, देखो हम अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं, शिक्षित समझते हैं, तो अच्छी चीज खाओ ना, जहर क्यों पियोगे, ठीक है ना।
चाहे भी कोशिश करना धीरे धीरे जैसे चाहे पूरा बंद हो जाए, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो तीसरा चीज है स्त्रियों, कहते ये स्त्रियों के ऊपर में भी कली का निवास। बोले कौन सा स्त्री है? बोले जो अवैध रूप में स्त्री माताएं पुरुष से मिलते हैं और पुरुष जो स्त्रियों से मिलते हैं बगैर शादी के, संसार करो शादी शुदा करके अपना धर्म पत्नी को साथ में धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी को निभानी चाहिए। अधर्म पूर्वक जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ये हमारी शास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता है, उसमें पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथी जो चीज है ये जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब होता है ये मांस मछली अंडा और ये प्याज लहसुन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। देखो ये भागवत कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, परीक्षित महाराज कली को ये चार जगह पर स्थान दिया। इसलिए पहले मैंने आपको बहुत कथा सुनाया कि जो प्याज लहसुन है नवरात्रि का दिन 9 दिन तो कोई खाते नहीं। क्यों नहीं खाते हैं? माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते है ना। भगवान को भोग नहीं लगता है, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है वो चीज हमें भी प्यारा नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले मैंने आपको बहुत कथा सुनाई ये प्याज वो मांस से बना हुआ, और भागवत में सुना जब भगवान राक्षस को वध की जहाँ पर ये मांस गिर पड़ा वहीं से ये प्याज हुई है। इसलिए नवरात्रि में 9 दिन तक ये चीज वो घर में कोई लेते नहीं। अगर ये चार चीज को अगर जीवन में कोई पालन कर लिया और थोड़ी सी ठाकुर का नाम जप कर तो तुम्हारी बेड़ा पार, बेड़ा तुम्हारी पार हो जाएगी। कहते ये चार चीज को छोड़ना, कहते चार चीज को जोड़ो। बोले चार चीज को क्या जोड़ेंगे? बोले पहला नंबर है भगवान की नाम जरूर जप करना, अभी नाम की महिमा हमने सुनी है। दूसरी चीज है हर घर घर में जो ठाकुर है ना, जो लड्डू गोपाल है, सभी के घर में जरूर ठाकुर रहनी चाहिए। घर में जरूर ठाकुर जी की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि घर का मालिक ठाकुर जी। जितने सुंदर रूप में आप ठाकुर को सेवा पूजा करोगे, देखना ठाकुर जी अगर खुश रहे ना तुम अपने आप घर में खुश रहो। अगर ठाकुर जी अगर खुश नहीं रहे, घर में लक्ष्मी है लेकिन लक्ष्मी किसकी है? लक्ष्मी नारायण की। वो लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में लगती है फिर तो ये लक्ष्मी घर में सुख शांति देती है। अगर लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में नहीं लगेगी ना, करोड़ों संपत्ति तुम्हारी घर में क्यों नहीं हो जाए? वो लक्ष्मी घर में तुम्हें शांति में रहने नहीं देगी, बहू बहू में लड़ा लगा देगी, कोई मामला मकदमा लगा देगी, नहीं तो कोई कठिन बीमारी दे देगी जिसमें सारे पैसा उससे तो उधर चली जाएगी। क्यों? लक्ष्मी हमारी नहीं, लक्ष्मी नारायण की। ये चीज को ध्यान रखो। इसलिए घर में जो खाना बनता है पैसा से बनता है वो लक्ष्मी है। अगर ठाकुर जी को भोग लग गया ना, आप देख लेना जिस भी घर में ठाकुर जी को भोग लगता है, ठाकुर जी को प्रसाद लगता है, कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा बन। और कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसाद सर्व दुखानां, मेरे को जो भोग लगा कर खाते हैं घर का सारे दुख कष्ट उसको दूर हो जाता है। ये काम करना, घर में जो खाना बने ठाकुर जी को जरूर भोग लगाओ। लगाओगे? कौन बोलता है लगाओगे? पहले बताया ना सुदामा जी ने भोग लगाया तो भगवान राज महल दे दिया, लेकिन भगवान से छुपा कर खाया तो गरीब बन गया। इसलिए घर में लेकिन बोलोगे हम तो भोग लगाते हैं, बोले कैसे? तो ठाकुर को थोड़ा दूध नहीं तो थोड़ी सी बतासा रख लेते हैं और खुद प्याज लहसुन डाल दूध कर खाते हैं, इसको भोग लगाना नहीं कहते। इसको भोग लगाना नहीं कहते क्योंकि ठाकुर का, ठाकुर घर का मालिक है। जैसे तुम्हारे घर में कोई नौकर काम करता है वो थोड़ी सी जो घर का मालिक को जैसे तैसे बना कर दे देता है, आप खुद बढ़िया बना कर खाता है। अगर मालिक को पता चलेगा तो क्या करेगा? बोलो, उसको निकाल देगा कि नहीं घर से? इसलिए घर का मालिक हम नहीं, घर का मालिक तो ठाकुर है। अगर उनको थोड़ा दूध लगा दे, खुद प्याज लहसुन डाल मिलकर खा रहे हो, ठाकुर को क्या दिख नहीं रहे? वो सब देख रहे हैं बैठे बैठे करके, वो सारे चीज को देख रहे हैं। मत समझो वो वैसे बैठे हुआ है, वो सारे चीज देख रहे तुम करते हो क्या। इसलिए ऐसे चीज मत खाया करो जो ठाकुर जी को पसंद नहीं। जो चीज ठाकुर का पसंद वही चीज खाओ, भगवान के लिए कुछ भी त्याग देनी चाहिए। इतना सा केवल प्याज लहसुन छोड़ना,
इतने से छोड़ने पर ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, हैं? इतने में ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए घर में ठाकुर जी की जरूर पूजा सेवा होनी चाहिए। आप बोलोगे तो पत्थर बैठे हुए। देखो आपने की छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आप लोग जगन्नाथपुरी कोई गए हो? कौन कौन जगन्नाथपुरी गए, हाथ उठाओ। तो आप देखना, जगन्नाथपुरी से एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है साखी गोपाल। ये ठाकुर जी का नाम साखी गोपाल नाम क्यों पड़ा, देखो इसकी कथा सुनो। मतलब एक समय दो ब्राह्मण तीर्थ के लिए निकले। एक छोटा ब्राह्मण जवान और एक वृद्ध। वो वृद्ध बहुत ही वृद्ध हुए थे, तो वो जवान ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण की बहुत उन्होंने सेवा की। पूरा तीर्थ भ्रमण करते करते वृंदावन में एक मंदिर था जिसका नाम गोपाल मंदिर था। उसी मंदिर में रुके। जो वृद्ध ब्राह्मण इतने खुश हो गया छोटा ब्राह्मण में, बोले देख बेटा, अगर तू नहीं होता ना ये तीर्थ मैं कभी कर नहीं सकता था। तेरे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जब मैं जाऊंगा ना मेरी एक सुंदर प्यारी लड़की है, वो लड़की को तेरे से मैं शादी दूंगा। छोटा ब्राह्मण ने कहा, देखो आपकी बेटी को शादी करने के लिए मैंने आपसे नहीं घुमाया, सेवा नहीं की, आप पिता जैसे लगते हो, ब्राह्मण देवता है इसलिए मैंने सेवा की। और एक बात समझो, यद्यपि हम दोनों ब्राह्मण हैं, आप उच्च जाति का ब्राह्मण, मैं छोटे जाति का ब्राह्मण, आपका परिवार वाला राजी नहीं होंगे। बोले बेटी मेरी, मैं देना चाहता हूँ। बोले अगर जाकर के वहां मुकर जाओगे तो? उन्होंने कहा, देखो यहाँ पर ठाकुर जी है, ये साखी गोपाल को मैं साखी करके कहता हूँ, जब मैं जाऊंगा जरूर बेटी दूंगा। दोनों वापस आए उड़ीसा पुरी में। इतने में बड़ा ब्राह्मण ने अपना बात उठाया, उसका परिवार इतने बिगड़ गए। बोले आपको पता नहीं हम ऊंचे जाति के ब्राह्मण है, ये छोटे जाति का ब्राह्मण है, अगर इनको अगर बेटी देंगे सारा दुनिया हमें क्या बोलेगा, अगर हमारी बहन को शादी दोगे ना हम जहर खाकर मर जाएंगे। बोले हमने जो ठाकुर जी को साखी दिया, बोले ठाकुर तो पत्थर है, ठाकुर जी पत्थर है थोड़ी ठाकुर जी बात करते हैं। अगर वो ब्राह्मण पूछने के लिए आए ना, केवल इतनी सी बात बता देना, मैंने क्या बोला नहीं बोला याद नहीं। अभी छोटा ब्राह्मण पूछने के लिए आया, आप तो बताए थे बेटी को शादी देने के लिए, शादी क्यों नहीं करवा रहे हो? उसने इतने में बोल दिया, मैंने क्या बोला नहीं बोला मेरी याद नहीं। उसका जो बच्चे थे ना, डंडे लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। बोले हमारे पिताजी को पास में बहुत पैसा था, तुमने धतूरा खिला करके पिताजी की पैसा ले लिया, अरे हमारी बहनी से शादी करना चाहते हो, भाग जाए यहाँ से। उसने गांव पंचायत बुलाया, गांव वासियों ने बताया तुम्हारी कोई साखी है? बोले हाँ, वृंदावन में श्री गोपाल जी की मंदिर में साखी करके हम आए थे। इतने में उनको बच्चे को मौका मिल गया, बोले जा जा वृंदावन से ठाकुर को बुला करके ले आ, पत्थर यहाँ पर आएंगे साखी देने के लिए। लेकिन इसको पूर्ण विश्वास था ठाकुर जरूर आएंगे। सचमुच से पुरी से चलते चलते वो वृंदावन आया, ठाकुर जी की मंदिर में गया। बोले ठाकुर जी ऐसे ऐसे हो गया, तुमको चलना पड़ेगा। देखो ठाकुर बोलते हैं और ठाकुर बात कर रहे हैं। बोले बेटा तुमने कभी सुना है ठाकुर जी चलते हैं? इतने में ब्राह्मण पकड़ लिया, जब चलते नहीं ठाकुर बोलते कैसे? जब तुम बोल रहे तुमको चलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी बात बदनामी हो जाएगी, चलना पड़ेगा। बोले ठीक है मैं चलूंगा, एक काम करो मेरे को 1 किलो चावल की खिचड़ी बनाकर खिला दो, क्योंकि इतना दूर तो चलना पड़ेगा। और ये काम करना, बोले क्या, जब मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा तुम पीछे से मोड़ करके नहीं देखना, फिर मैं वही रह जाऊंगा। बोले पता कैसे चलेगा अब आ रहे हो? बोले मेरे पैर में नुपुर बांध दो, छम 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 आवाज होगा, पता चलेगा ठाकुर जी आ रहे हैं। ऐसे चलते चलते ठाकुर जी, आप कटक का नाम सुने होंगे, उड़ीसा में कटक, वहीं पर ठाकुर जी चलते चलते आए। बंसुरी बजाते बजाते चरण की आवाज हो रही थी, लेकिन वहां पर आते ही ना वो रेती था, रेती में ठाकुर जी पैर घसना शुरू हो गया, जो नुपुर की छम छम आवाज हो रही थी बंद हो गई। उसने देखा यहाँ तक तो आवाज आई, यहीं पर बंद हो गया, हो ना हो जा करके देखे ठाकुर नहीं आए, फिर तो मेरे नाक कान कट जाएगी। बोले पास में आ गए, एक बार मोड़ करके देख लेता हूँ। उन्होंने ऐसे मोड़ करके देखा ना, ठाकुर जी बंसुरी बजाते बजाते खड़े हो गए, ठाकुर बंसुरी बजाते बजाते खड़े हो गए। बोले और मैं नहीं जाऊंगा, तुम पीछे मोड़ करके देख लेना, देख लिया राजा को बुला करके लाओ। उनने पूरा पूरी जाकर हल्ला मचा दिया, वृंदावन से गोपाल जी चलते चलते यहाँ साखी देने के लिए आए।
राजा रानी जितने राज्य के लोग थे सबके सब भागते भागते आए। सचमुच से ठाकुर जी सबके सामने ठाकुर जी साखी दिया, बोले हाँ ये बड़ा ब्राह्मण ने मेरे को साखी करके कहा था मैं अपना बेटी दूंगा, लेकिन ये परिवार का दबाव में आकर के बेटी नहीं दिया, इसने साखी दी, इसने प्रतिज्ञा की थी। फिर वो बेटी को साथ में उसको शादी हुई, जबकि शादी हुई देखो जो रानी थी ना राजा की वो बड़ा कृष्ण भक्त थी। अभी इसकी मन में इच्छा बड़ी, वो बड़े ठाकुर है, कभी अगर जगन्नाथपुरी जाओगे जरूर दर्शन करना, वो ठाकुर बड़े लंबे चौड़े थे। उनकी जो पत्नी थी रानी बड़े कृष्ण भक्त थी। अभी वो सोच रही है अगर ठाकुर जी की नाक में अगर छेद होता है ना, मेरे पास में हीरे की एक बेसर है, वो हीरे की बेसर में पहनाती। अभी इतना सोच करके चली गई, जब रात को विश्राम की ना रानी, ठाकुर जी सपने में आए, बोले महारानी आपकी मन में इच्छा है मेरे नाक में बेसर पहनाने की, मैं जो छोटा बच्चा था ना मेरी मैया ने मेरे नाक में छेद बना करके रखा, अभी भी वो छेद है लेकिन वो मिट्टी में वो भर गया है, आ करके देखना थोड़ा हटा करके मेरे नाक में अभी भी छेद है। रानी को नींद खुल गई, राजा को उठाया, बोले महाराज मैंने इसे सोच करके आया, रात में ठाकुर जी स्वप्न दिया है मेरे नाक में छेद है, चलो हम हीरे के बेसर लेकर जाते हैं। जब आए ना देखा ठाकुर के नाक में छेद है, ठाकुर के नाक में छेद है। फिर उन्होंने हीरे की बेसर उन्होंने पहना दिया। देखो आपको सामने और एक प्रमाण देता हूँ, खड़े हो जाओ तो देखो इनकी कथा सुनो। देखो ये माता जी को जानते हो, उधर घूम कर ये माता जी को जानते हो, देखो इनकी कथा सुन लो। इनके पास में दो लड्डू गोपाल है, खड़े हो जाओ, इसे इनके पास में दो लड्डू गोपाल है, इन्होंने ये बात सुनाई मेरे को, बोले एक लड्डू गोपाल का कान में छेद था, मैंने वृंदावन गई, मैंने देखा ठाकुर जी के लिए मैं कान के लिए कुंडल लेकर जाती हूँ, लेकिन एक ठाकुर के लिए तो मैंने कुंडल ले ली, लेकिन एक ठाकुर के कान में छेद था ही नहीं, हाँ छेद नहीं, बोले फिर दूसरे ठाकुर को कान में कुंडल कैसे पहना। वो खुद मेरे को बोली जब मैंने आई और देखा एक ठाकुर को कान में कुंडल नहीं था गोपाल का, ये कान में छेद नहीं था, आकर देखा पता नहीं अपने आप कैसे छेद हो गई, अपने आप कैसे छेद हो गई। फिर मैंने दोनों ठाकुर कान के लिए कुंडल लाए। देखो अभी अगर इनकी ये स्वयं मेरे भी ये बात बताई, बोले महाराज जी बात बताना ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए कहते ना कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, कहते द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबर के जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, बोले ब्रज गोपियां जैसे तुम नाचते नहीं नचाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं भैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। भगवान सब कुछ करते, उनको साधारण मत समझो, उनका हृदय से सेवा करोगे ना देखना ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते हैं। ठाकुर जी सब कुछ करने के लिए तैयारी, इसलिए हर घर में जरूर ठाकुर जी होनी चाहिए, लड्डू गोपाल हो नहीं तो राधा कृष्ण हो, घर में ठाकुर के घर ठाकुर जी के पूजा के बगैर ना ये जीवन जीवन नहीं है। भागवत कहते हैं जिन्होंने ये मानव शरीर पाकर के ठाकुर को सेवा नहीं किया, ये भागवत कहता है जीवन सबो, वो जिंदा रहते हुए भी मरा है, भागवत कहता है उसका जिंदा रहना उसको बेकार है, क्योंकि ये 84 लाख जन्मों के बाद में ये जीवन हमें मिला है, इसी जीवन में ही ठाकुर का भजन पूजा कर सकते हो, और किसी जीवन में ठाकुर का भजन पूजा नहीं होगी संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति तभी मिलेगी जब ये ठाकुर का तुम सेवा करोगे, भागवत कहता है। इसलिए हर घर में जरूर ठाकुर होनी चाहिए और विश्वास पूर्वक ठाकुर का सेवा करो। एक बूढ़ी माँ थी जिसने जिंदगी भर ठाकुर का सेवा की, उसको संतान में कोई नहीं था, जो बूढ़ी हो गई ना सही बात, ये कृष्ण उसको घर में सारे काम करते, पानी भरते थे, बाजार लाते थे, ठाकुर जी घर लेपा पता करते थे, ठाकुर जी उसको बना करके कृष्ण खिलाते थे। ठाकुर जी ठाकुर स्वयं कहते हैं जो जिंदगी भर मेरी सेवा करेगा जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाएगा उसको सेवा मैं करूंगा, उसको सेवा मैं करूंगा, ठाकुर स्वयं कहते हैं। अब गीता पढ़ करके देख लो, इसलिए हर घर में जरूर ठाकुर होनी चाहिए, ठाकुर को सेवा पूजा एक होनी चाहिए। और जो तीसरी है जरूर एकादशी व्रत रखा करो। मैंने एकादशी की बहुत मैंने कथा सुनाई आपको, एकादशी को कल्पवृक्ष व्रत कहते हैं, हर एकादशी का 15 दिन में एक एकादशी आती है,
एक एकादशी का नाम पुत्रदा, मतलब जिनके घर में पुत्र संतान नहीं वो पुत्रदा एकादशी का घर में बेटा होगा, क्योंकि नंद बाबा घर में कोई पुत्र नहीं था, ये पुत्रदा एकादशी थे, कृष्ण नंद बाबा का बेटा बनकर के आए। एक एकादशी का नाम इंदिरा, मतलब लक्ष्मी, जिसको घर में पैसा की कमी है वो एकादशी करो घर में पैसा आएगी। एक एकादशी का नाम अर्णदा, जिसको घर में अर्ण शस्य की अभाव है वो एकादशी करो घर में अर्ण आएगा। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से संसार से मुक्ति मिलती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, पाप मोचनी मतलब जिसको करने से संसार के सारे पाप नष्ट हो जाएगी। एक एकादशी का नाम विजया, जिसको करने से तुम जिधर जाओगे उधर तुम्हारी विजय विजय होगी। इसलिए भागवत में कोई बार व्रत का नहीं नाम नहीं, केवल ये एकादशी की कथा है। इसलिए एकादशी का दिन अर्ण में गो हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या सब अर्ण में आश्रय करके रहते हैं। एकादशी का दिन जो अर्ण भोजन करेगा उसको सारे पाप लगना है। इसलिए जब एकादशी व्रत करना, हरि नाम करना और भगवान की सेवा पूजा करो और जीवन में खूब सुखी रहो और जीवन में खूब आनंद में रहो। देखो ये जो श्रीमद् भागवत कथा हुई है, ये श्रीमद् भागवत कथा में इसकी इतनी पुण्य, भागवत कथा की इतने पुण्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पृथ्वी का जितने पुण्य है, जैसे कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कोई खोल दिया, कहते हैं कि तराजू लो, तराजू का एक तरफ में भागवत कथा की महिमा को रख लो, दूसरे तरफ में जितना जगत का पुण्य को रख लो ना, सारा दुनिया पुण्य को मिला करके भी भागवत कथा की महिमा का पासंग नहीं कर सकता, इतने भागवत कथा की महिमा। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कहीं अगर भागवत कथा हो, अगर कोई श्रवण करे कल्याण तो है ये, कोई अगर सुनाए कल्याण, अगर इतना भी नहीं हो कहीं कथा हो रही है इतना अगर बोल दे भागवत कथा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने इतना बोल दिया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो व्यक्ति देव द्रोह क्यों नहीं किया हो, विश्व द्रोह क्यों नहीं हुआ हो, अगर इतनी सी केवल बोल दे कथा हो रही है बहुत अच्छी बात, उसी समय में सारे पाप से मुक्त होकर के वो व्यक्ति भगवान का धाम को गमन करता है। इतने महिमा भागवत कथा की। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत कथा, इसमें कुछ कुछ भक्तों का उत्साह थे, ये भागवत कथा हुआ है मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। कहते श्री राम फल विदुड़ी, कहते इनकी जो दादाजी है, दादाजी है ना, सीमा कहाँ गई है, सीमा कहाँ गई है, इधर सीमा जी। इसलिए कहते जो कहते आप लोग का दादा लगता है ना, कहते इनका जो सुपुत्र लोग है, कहते उनका जो सुपुत्र है, बोले कौन कौन है, बोले खेम चंद्र ठेकादार विधुड़ी, दूसरे है जगपाल विधुड़ी, और एक नाम है रामवीर विधुड़ी, एक नाम है सुरेश विधुड़ी और श्री वीरेंद्र विधुड़ी। कहते इनकी ये पांच बच्चे हैं, पांच बेटे हैं। उनका जो बहू है ना, कौन कौन उनके बहू है, हाथ उठाओ तो, उन लोगों का कौन कौन बहू है, हाथ उठाओ बहू है। इसलिए कहते हैं, कहते ये जो भागवत कथा उन्हें रखवाए, कहते इन लोगों ने ये भागवत कथा को यहाँ पर इन लोगों ने रखवा। इसलिए आप लोग देखो जगत में बहुत लोगों का पैसा है, लेकिन अगर बेटी शादी हो ना करोड़ों करोड़ों रुपया वहां लगा देते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा में इतने महिमा भागवत कथा की। एक राजा थे जिनका नाम था, वो राजा किसी संतों को केवल एक भागवत ग्रंथ दान कर दिया था, एक केवल भागवत ग्रंथ दान किया था, लेकिन उसका फल हुआ एक दिन साक्षात कृष्ण दर्शन दिए और वो गिरगिट बना था, बहुत दान पुण्य किया था, हैं मृग महाराज थे, उनने इतने दान पुण्य किया था। एक समय कृष्ण के बच्चों ने खेल रहे थे, कुएं में देखा कि गिरगिट पड़ा हुआ, उसको निकालने के लिए कोशिश किया, निकल नहीं पाए, कृष्ण को बुलाया, कृष्ण का चरण स्पर्श होते ही बड़े सुंदर जैसे देवता जैसे बन गए। बोले भैया तुम कौन हो, गिरगिट बना था? बोले आप लोगों ने सुना सत्य युग में एक मृग नाम का राजा, बोले हाँ, बोले पृथ्वी में तो सबसे बड़ा दानी, फिर आप गिरगिट कैसे बने? बोले मैंने गैया दान देता था ब्राह्मणों को, इतने गैया दान दिया जो सोच नहीं सकते, लेकिन भूल से क्या हुई, जो गैया एक ब्राह्मण को दिया वो कैसे आकर गैया में मिल गई और उसी गैया को मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दिया। अभी दोनों ब्राह्मण झगड़ते झगड़ते आए
मेरे को अभिशाप दे दिया, बोले गिरगिट जैसे रंग बदलाते हो इसलिए मेरे को गिरगिट बनना पड़ा। बोले फिर इनको भगवान दर्शन कैसे हुआ? बोले घर में कोई संत आए थे, इनकी स्वभाव था सेवा करना, उनने संतों को भोजन कराए। बोले बाबा आपको मन में कुछ इच्छा है? बोला हाँ, एक भागवत ग्रंथ दे सकते हो जिसको मैं पढ़ना चाहूँ। भागवत कौन है? ये कृष्ण स्वयं। जब भगवान कृष्ण जगत छोड़कर चले गए, भगवान कृष्ण ये भागवत ग्रंथ रूप में आए। ये भागवत ग्रंथ नहीं, ये साक्षात श्री बांके बिहारी है। इसलिए जिन लोगों ने ये कथा को दान किया है, हम लोग उनकी जय जयकार करते हैं। देखो इनकी वजह से आप लोगों ने कथा सुने, आप लोग इन्हीं के लिए जोरदार ताली बजाओ। उनके लिए जिसको जितने अच्छा लगा वो उतना जोर से ताली बजाएगा। इसलिए मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी इनकी परिवार को खूब फलते फूलते दे, हैं खूब ऐसे ही भगवान की कथा सुनाए। क्योंकि कहते एक व्यक्ति को जो प्रभु की भजन में लगा देते ना, करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल स्कूल से भी ज्यादा पुण्य है। आप लोगों ने देखे होंगे कितने लोग इसमें बदले, कितने लोग मेरे से माला लेने के लिए आए, सबके सब माला लेकर गए। पुण्य किसको मिलेगा? जो कथा करवाएगा उनको ही मिलेगा, उनको तो मिलेगा ही पुण्य ना, सब पुण्य उन्हीं को मिलेगा। इसलिए इतने पुण्य ये भागवत कथा में जो कथा रूपी दान किया, और इनकी जितने परिवार है, इनकी जो बहू बेटे नाती पोती हैं, मैं भी यहाँ इसे माता है सबके साथ, जिन लोगों ने ये कथा में कोई तन से कोई मन से कोई धन से, यहाँ तक भी जो लोग कथा सुनने के लिए आए हो, आप लोग कौन हो? आप लोग तो परिचित हो। अगर सुखदेव गोस्वामी होते, अगर परिचित नहीं होता कथा हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। इसलिए जो लोग कथा सुनने के लिए आए आप लोग परिचित हो। अपना घर का सारे काम काज को छोड़ करके तीन तीन चार चार घंटा आप लोग यहाँ पर बैठे हो। इसलिए मैं आप सबके लिए मैं ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी इनको खूब सुख शांति दे, खूब आनंद दे, आप लोग भी खूब फलते फूलते रहो। आप लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोर से ताली हो जाए। और इन्हीं कथा में कोई तन कोई मन कोई भी कुछ कुछ धन भी दिया है, कोई भंडारा में कोई चावल कोई आटा, किसी ना किसी रूप में भक्त लोगों ने भागवत में दान किया है। ठाकुर जी सब कुछ देते हैं। कहते माचिस का एक काठी अगर किसी ने भी ये भागवत कथा में दे दिया, भगवान कहते हैं उनका सारे पाप को नष्ट करके मैं उनका अपना चरण में भक्ति प्रदान करता हूँ। इसलिए ठाकुर जी सबको ठाकुर जी कल्याण करें। और इन्हीं कथाओं में हमारे जो माइक वाले भैया बहुत अच्छे माइक लगाए हैं, अगर माइक नहीं होता तो हमारा गला तो फट जाता, इसलिए उन्होंने बड़े सुंदर माइक लगाए। अब इनके लिए भी ताली बजाओ। और इन्हीं कथाओं में जैसे हमारे जो कलाकार लोग हैं, जैसे ढोरीलाल प्रभु जी इतने सुंदर इन्होंने आपको भजन सुनाए, और हमारे जो क्यासी बजा रहे थे श्याम प्रभु जी, और जो हमारे जो पीछे जो बैठे हुए श्रीदाम भैया हैं, कृष्ण का सखा ये श्रीदाम भैया हैं, इन्हें बड़े सुंदर उन्होंने हमारे मेरे साथ में ये हर समय सुख दुख हर समय में ये मेरे साथ में रहता है, हमारे साथ में उसने छोड़ा नहीं, हर समय मेरे साथ में रहा। और जो पेड़ जो बजा रहे थे श्रीकांत भैया, जो वहाँ पर अभी यज्ञ करेंगे, वो यज्ञ की बड़ा महत्व यज्ञ है, वो साधारण यज्ञ नहीं, नरसिंह भगवान का यज्ञ है। उसमें जो आहुति दोगे ना, अगर काल सपर की जोग हो, कोई शनि ग्रह की जोग हो, उल्टा पुल्टा हो, कहते वो उसमें आहुति देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो ऐसे के यज्ञ है। इसलिए अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाए इनके लिए। हाँ, इसलिए हमारे श्री गौर सुंदर प्रभु और चिराग प्रभु आपको जो इतने सुंदर सुंदर कथा सुनाए, दोनों बच्चों ने कथा सुनाए कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं कथा? देखो तो दोनों बच्चे हैं ना, एक पता नहीं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका 1,00,000 रुपया से तनख्वाह था, लेकिन वो नोएडा में ही नौकरी करता था, लेकिन उसको छोड़ करके आया। और जो दूसरा है आप लोगों ने सुनाया था, उसने इतने अच्छे लिखे पड़े ब्राह्मण घर का बच्चा है, वो जो चिराग जो नाच रहा था ना कथा सुनाता था, वो बहुत अच्छे घर के ब्राह्मण घर के बच्चे हैं, वो बड़े इंजीनियर बहुत अच्छे लिखा पड़ा था, लेकिन इन लोगों ने सारे काम धंधा को छोड़ करके इन लोगों ने हमारे साथ में रहते हैं, बड़े सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं। इन दोनों बच्चों का आप लोग हृदय से आशीर्वाद दो, क्या आशीर्वाद दोगे? जिंदगी भर ऐसे आपकी सेवा करते रहे, आप लोगों को कथा सुना करके आपकी आनंद वर्धन करे। और इसमें एक जो सुदामा अभी जो बनने वाले, क्या नाम सुदामा भैया का?
अरे भैया जो सब बच्चों को चुप कराते थे वो कहीं गए कहाँ? रामविलास, हाँ श्री रामविलास प्रभु जी सारे बच्चों को किसको बात करने नहीं देते थे, इसलिए बच्चे लोग भाग दौड़ करते थे। अभी बड़े सेवा किया है ठाकुर जी, इनके ऊपर में ठाकुर जी आशीर्वाद करें। और कहते हमारे जो ब्राह्मण लोग थे यहाँ पर, क्या नाम आपका नाम क्या? ओम प्रकाश पांडे। और जो और थे ऋषभ देव पांडे और हरिकांत और छोटा बच्चे का नाम ऋषभ देव और क्या संदीप शास्त्री, इन लोगों ने बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, यहाँ पर बैठ करके उन लोगों ने हरिनाम किया है, पूरी भागवत ग्रंथ को पढ़े, ये अच्छे सज्जन ब्राह्मण हैं। अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजा। और हमारे श्री अभी हमारे सीमा दीदी कहाँ गई है? सीमा दीदी, सीमा दीदी इधर आ जा। हाँ दीदी जो सीमा किधर है इसलिए इधर आ जा, इसलिए जो सीमा दीदी है ये यहाँ की ये बेटी है, हैं इन्होंने यहाँ की बेटी, उसने 7 दिन के लिए तो उसने पूरा 7-10 दिन के लिए अपना गाड़ी छोड़ करके पूरा दिन भर हमारे पीछे लगी हुई है, हैं हम कहाँ पर जाएंगे, प्रोग्राम कहाँ पर होगा। और कालिनी दीदी ये दोनों गाड़ी के हैं, कालिनी दीदी अभी आई नहीं ना, आई है कहाँ है आने वाली, इसलिए इन लोगों ने बड़े घर घर में जा जा करके सबको कथा सुनाना, माला देना, भजन करवाना, बड़ी सेवा की इन्होंने। अब इनके लिए भी जोरदार आप ताली बजाएं। इनके साथ में बीना दीदी है, बीना दीदी है ना, कहाँ है बीना जी? हाँ ये माता जी है, इनके साथ में बड़ी सेवा की। और रोज रोज तुम्हारे नाम क्या है? कमलेश दीदी, इन्होंने तो अपना घर में हमको रोज रोज नाश्ता खिलाना, प्रसाद खिलाना, दिन भर बड़े सुंदर सुंदर प्रसाद बना करके इन्होंने हमें खिलाया, इनके लिए भी ताली बजाएं इनके लिए। और जो जो पूर्वज लोग इनके जो परिवार के जो राम फल विदुर इनका जो पूर्वज लोग है, इसलिए इन्होंने कथा करवाए, कारण है अब लोग कभी कभी देखना घर में सारे रुपया पैसा धन दौलत है, अब देखना सब कुछ है, लेकिन कभी कभी देखना घर में शांति सुख नहीं है। बोले क्यों शांति सुख नहीं है? कारण है कहते एक होता है ये पितर दोष होता है, पितर दोष मतलब होता है तुम्हारे जो पूर्वज लोग पहले चले गए, अगर वो लोग प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं, उनको कोई कष्ट मिल रहा है, देखना घर में जो कुछ होने पर घर में शांति सुख नहीं रहता, सब कुछ घर में लेकिन शांति नहीं, कारण है ये पूर्वज लोग शांति में नहीं है। लेकिन इनकी उधार कैसे होता है? बोले तब भी इनकी उधार होती है ये भागवत कथा से, इसलिए जिस समय गोकर्ण ने धुंधुकारी के लिए गया में पिंड भी दिया, लेकिन आकर के देखा फिर प्रेत बनकर बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर पिंड दिया, बोले 100 बार भी पिंड दे तो मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन मुक्ति कब मिली? जब उन्होंने ये भागवत कथा सुनी। ये भागवत कथा में इतने शक्ति है, भागवत कथा से ही इनको प्रेत जोनी से बा कौन से बुरे जोनी से इनकी आत्मा को शांति मिल जाती है, ये सब के सब उधार हो जाते हैं। इसलिए इनकी सारे पूर्वजों के लिए मैं गुरु जी से ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, आप इनके पूर्वजों को आशीर्वाद दो, वो जहाँ भी हो जैसे इनकी आत्मा को शांति मिले, इनको आत्मा को शांति मिले। हाँ इसलिए और हम लोग जो रह रहे हैं ना, कहते श्री वीरेंद्र विधुड़ी, ये हम रहे वीरेंद्र विधुड़ी, ये चाची जी है। हाँ इन्होंने देखो हम लोग सोच रहे थे भैया किसको घर में रुके, किसको घर में रुके, हैं? लेकिन इन्होंने माता जी का देखो दिल कितना बड़ा है, बोले हमारे घर में साधु संत लोग हमारे घर में रहे, तू भजन करे, इसलिए इन्होंने अपना घर में हमें स्थान दिया है रहने के लिए। अब इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और विशेष करके और एक बात है, आप लोग सबको तो कुछ कुछ दिए हो, अभी मुझे भी कुछ देना पड़ेगा। आप मेरे को क्या दोगे? मेरे को हृदय से आशीर्वाद दो, मेरे को हृदय से आशीर्वाद दो, जैसे मैं आप सबको हैं, मैं जैसे भगवान की कथा सुना करके आप सबको मैं सेवा कर सकूं, मेरे को अपना हृदय से आशीर्वाद देना, ठीक है ना? देखो मैंने कभी कभी कड़वी कड़वी बात भी बोल दी, प्याज मत खाओ, मांस मत खाओ, शराब घर में मत घुसाया करो, भगवान की भजन करो, मैंने कभी कभी डांट भी लगा दिया है इसी वजह से,
हैं। अगर आप किसकी हृदय में अगर कोई चोट पहुंचा होगा तो आप भी मेरे को अपना गुण से मेरे को माफ कर देना और मेरे को भी आशीर्वाद देना, जैसे मैं भी जिंदे कुमार गुरु वैष्णव की साधु संतों की आप लोगों की सेवा कर सकूं, इसलिए आप लोग मेरे को भी हृदय से ये आशीर्वाद देना, ठीक है। और कृष्ण रुक्मिणी बने कि नहीं, कृष्ण रुक्मिणी बन गए? सीमा दीदी कहाँ है कृष्ण रुक्मिणी? कृष्ण पर बने हैं ना, हमें बोलता हूँ एक मिनट बाद में लेना। देखो अभी भगवान कृष्ण रुक्मिणी की शादी होगी और सुधामा भी आएंगे, उसको बाद में आप सभी के लिए प्रसाद की भी तैयारी है। हाँ, इनके परिवारों ने आप लोग भी कोई कुछ दिए हैं, इनके परिवारों ने पूरी कथा में जितने भक्त लोग आएंगे और सभी के लिए उन्होंने भगवान की प्रसाद की भी व्यवस्था किए हैं, आप लोग सभी प्रसाद लेकर के जरूर जाना, ठीक है। कहते एक भीष्मक नाम का राजा थे जिनके 5 बेटे और सबसे जो छोटी बेटी रुक्मिणी, ये माँ लक्ष्मी स्वयं, नारद जी को ये बात पता था ये लक्ष्मी स्वयं है, इसलिए बचपन में उन्होंने कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुनाया करती थी। अभी कथा सुन सुन करके उसकी कण कण में बैठ गया, मैं शादी करूंगी तो द्वारकाधीश से शादी करूंगी, लेकिन उसका जो बड़ा भैया रुक्मी था बोले क्या, हमने सुना कृष्ण बचपन में गैया चराया करते थे, मक्खन चोरी करते थे, भैया ऐसे ग्वाला से हम अपना बहनी की शादी नहीं करवाएंगे, हम तो शिशुपाल से शादी कराएंगे। जब रुक्मिणी को ये बात पता चली, उन्हें एक ब्राह्मण को बुलाए, बड़े सुंदर एक पत्र लिख करके ब्राह्मण को भेज दिया। अभी कृष्णा पीली पत्र देख करके समझ गए कोई प्रेम का पत्र है, उसमें इतने सुंदर समर्पित भाव थी, कृष्ण रुक्मिणी को नहीं देखे, रुक्मिणी कृष्ण को नहीं देखे, लेकिन उसकी समर्पित भावना को देखकर कृष्ण रीत गए। उसमें लिखा हुआ था, हे प्रभु जगत में सबसे सुंदर आप हो, आप जैसे सुंदर जगत में कोई है ही नहीं, लेकिन मैं आपकी कथा सुनते सुनते मेरे हृदय में आप ही बैठ गए हो, मैं शादी करूंगी तो आपसे ही शादी करूंगी, क्योंकि इसी जगत में जो स्त्रियां होती हैं, आप देखना हम शादी तो करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद में फिर विधवा हो जाती हैं, फिर मांग सिंदूर मिट जाती है, शंखा टूट जाती है, एक जन्म नहीं कितने जन्म से पकड़ते छोड़ते हैं, बोले कब तक हम पकड़ेंगे कब तक छोड़ेंगे। कहते ना ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो गोपाल जुसो जो चुड़ल अमर हो जाए, इसलिए आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हे ठाकुर जी, जब तक जीव आपको प्राप्त नहीं करता है तब तक जन्म जन्मांतर तो पकड़ती छोड़ती है, लेकिन जीव जब आपको प्राप्त कर जाए फिर अपना सखी बना करके पटनाड़ी बना करके अपना गोलोक वृंदावन में आप स्थान दे देते हो। इसलिए ठाकुर जी मैंने इन सियारों से शादी नहीं करना चाहता हूँ, आप तो शेर हो, अगर शेर का हिस्सा अगर सियार ले ले ये शेर का ही बदनामी, जब तक मैं आपको प्राप्त नहीं करूंगी शरीर छोड़ते रहूंगी लेकिन जगत में किसी पुरुष को मैं पति रूप में ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। तब उन्होंने ये भी बोल कि क्या बोले आप मेरे को उधार कैसे करोगे, बोले हमारी एक नीति है जब बेटी शादी से पहले अपना कुल देवी को पूजा करने के लिए बाहर जाती है, जब मैं जाऊंगी उसी समय में आप अपना पराक्रम को दिखा दो, वहां से मेरे को अपहरण करना। उन्हें डिटेल से सब कुछ लिख दिए। इतने में पता चला शिशुपाल को, ये प्रेम करती थी कृष्ण को, कृष्ण का पराक्रम वो जानता है, पहले से सारे सैन्य सामंत को ला करके चारों तरफ में एकदम घराव कर दिया, जैसे कृष्णा अंदर में नहीं आ पाए। रुक्मिणी जब सखियों के साथ में देवी पूजा करने गई, स्वयं शंकर वहां प्रकट हुए, माँ पार्वती प्रकट हुई और वेद मंत्र से उन्होंने कृष्ण को रुक्मिणी को साथ शादी करा दी। लेकिन माँ लक्ष्मी जब निकली, वो जगदम्बा जगजननी जब अपना घुंघट को निकाली, इतनी सुंदरी थी, वहां पर जितने बड़े बड़े राजा सैनिक थे इनकी सुंदरता को देख करके वहीं को वहीं बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए स्वयं कृष्ण वहां प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए तो इतने में उन्होंने कृष्ण रुक्मिणी के हाथ को पकड़ी और रथ में बैठाई, बैठा करके इतने में रुक्मिणी जितने सहेलियां थी ना बोले राम राम सहेलियां, मैं तो जा रहा हूँ कन्हा के साथ हैं, और कृष्ण रुक्मिणी को लेकर चली गई। जब सैनिक का होश आए, बोले रुक्मिणी कहाँ,
बोले जिसका था तो उसने लेकर के चला गया। फिर तो बोले मारो मारो पीटो पीटो। फिर श्री दाऊ भैया बलदेव ब्रह्म प्रकट हुए, बोले कन्हैया कोई चिंता मत करो, तू रुक्मिणी को लेकर के जा, मैं इनको निपटा देता हूँ। बलदेव प्रभु निकाले अपना हाल और कुशल, अज सबको मार मार करके वहां से खदेड़ दिया। फिर कृष्णा रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में गए और ठाकुर जी की बड़ी सुंदर शादी हुई। अभी कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ, ले जाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। ले आओ कृष्ण रुक्मिणी को, ले आओ। हमारे ब्रज में एक संत कह रहे, इतना कथा में जो भगवान के विवाह में नृत्य करे ना, जिनको विवाह ना भाई उनको विवाह जल्दी बहुत सुंदर बर के साथ में जावे, और जिनको विवाह आएगा उनको वैवाहिक जीवन जो है सुंदर बन जावे। तो आपको अपना जीवन सुंदर बनाना हो तो ठाकुर जी के विवाह में नृत्य करो ना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनना, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो,
जो कथा बोलने वालों को जो प्रणाम देनी चाहिए, नहीं तो कथा सुनने का बल नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग लास्ट में आकर के जो कुछ देना भागवत में और रुक्मिणी चरण में देना चाहते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आज दूल्हा बने हैं भगवान, मधुरी का जवान बने जवान दे, मधुरी का